असलम एवरी वन होप्स वेरी वेल एम डी कैट का बायो टू यस्टरडे विद बायो वन सो वीट टू डू बायो टू एंड फ्राम द यास्टरडे लेक्चर ऑफ द फुल रिजन ऑफ बायो वन देर वॉस थ्री चैप्टर्स स्टिल रिमेनिंग सो वी विल कवर दैम अप आफ्टर बायो टू बायो टू सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन से चैप्टर्स कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड बायो टू जो है ना जिसके अंदर बेसिकली सिर्फ पाँच चैप्टर्स आपकी बुक से आ रहे हैं और ये जो पाँच चैप्टर्स हैं इनके अंदर सारे चैप्टर्स बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा अगर हम बात करते हैं आपके पास कौन से वो पाँच चैप्टर्स आ रहे हैं जो चैप्टर्स नहीं आ रहे उनको स्किप कर दें नहीं करेगा बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम तो जो चैप्टर्स नहीं आ रहे आप उनको स्किप कर दें क्योंकि ये एक लास्ट का मंथ रह गया और लेस देन दैट तो डोंट गो फॉर देट आपके पास सबसे पहले कॉर्डिनेशन एंड कंट्रोल है देन आपके पास रिप्रोडक्शन एवोल्यूशन सपोर्ट एंड मूवमेंट वेरिएशन एंड जेनेटिक्स ये टॉप ये टॉपिक्स ये चैप्टर्स है जो आपके पास इंक्लूडेड है और जो आपको कवर अप करने हैं अच्छा आज सबसे पहले आप लोग अपने पास पेंसिल और बुक रख लीजिएगा ठीक है पेंसिल इसलिए ताकि जो भी चीज़ मैं आपको लिखवा रही हूँ वो आप साथ के साथ लिखते जाएं और बुक इस मैं आपको बुक से दिखाऊँ या दिख, बताऊँ पेज नंबर तो आप लोग फ़ौरन से नोट डाउन वगैरह कर लें एक मिनट रुक जाएगा मैं चार्जर कनेक्ट कर लूँ ओके वी आर गोइंग टू स्टार्ट सबसे पहले हम लोग करने लगे सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर अस्सलाम वालेकुम सॉरी फॉर द प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हमारे पास सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल अच्छा ये जो सारे चैप्टर्स हैं ना इसके अंदर सारे चैप्टर बायो टू के सब इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप कोई चैप्टर थोड़ा सा देखें ना कि जो थोड़ा बहुत अनइम्पॉर्टेंट है तो दैट इज़ सपोर्ट एंड मूवमेंट इसके अलावा वेरिएशन एंड जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंट्रोल तो समझें आपका जैसे सेल चैप्टर था बायो वन का तो यहाँ पर कॉर्डिनेशन कंट्रोल को आपने वैसे पानी की तरह रट लेना है क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर उसके बाद वी हैव हाँ एवोल्यूशन चैप्टर रिप्रोडक्शन चैप्टर ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद आ, वी आर नाउ वी आर गोइंग तो टू स्टार्ट सपोर्ट एंड मूवमेंट मूवमेंट के अंदर मैंने इसके अंदर कुछ पार्ट्स लिखे हैं प्लांट के पार्ट और एनिमल पार्ट बोह, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है तो आपने दोनों पढ़ने हैं अच्छा आपके पास ना सबसे इमोटेंट मूवमेंट के अंदर प्लांट का पार्ट आता है और उसके बाद एनिमल का पार्ट आता है तो जहाँ तक प्लांट का पार्ट कंसर्न करता है तो आपको जो आपके याद होगा सपोर्ट थ्रो द सपोर्टिंग टिश्यू के अंदर तीन चीज़ें आपने पढ़ी थी पेरेंट कायमा कॉलन कायमा एंड स्केंट कायमा उसकी जो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी है कि व्हाट इज़ अ पेरेंट कायमा पेरेंट कायमा कहाँ पर होता है कॉर्टेक्स में होता है और मिजोफिल रीजन में होता है आपको पता होना चाहिए कौन से रीजन में होता है स्कलेरन कायमा के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि कौन सा ऐसा सपोर्टिंग टिश्यू है जो डेड होता है तो ऑलवेज रिमेंबर विच सपोर्टिंग टिश्यू इज डेड दैट इज़ ओनली स्कलैरेंट कायमा विच इज डेड ठीक है तो उस क्लेरेंट क्या होता है ऐसा सपोर्टिंग टिश्यू है जो कि डेड होता है विदाउट प्रोटोप्लाजम होता है इसके अंदर कोई भी प्रोटोप्लाजम नहीं होता और ये क्या प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट ऑफ कोर्स सपोर्टिंग टिश्यू है तो क्या करेगा प्रोवाइड सपोर्ट करेगा अब आपके पास चीज़ें क्या आती है पूछने वाली कि ये कहाँ पर होता है ये किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपसे पूछेगा कौन सा सपोर्टिंग टिश्यू ऐसा होता है जो कि आपके पास लीव्स में होता है ठीक है लीव्स के रीजन में होता है तो ये कौन होता है पेरेंट कायमा पेरेंट कायमा इज़ प्रेजेंट इन द लीव रीजन ये पॉइंट्स बुलेट के फॉर्म में कॉपी पे आप लोग लिख लीजिएगा कि पेरेंट कायमा फाउंड इन द कॉटेक्स एंड मिजोफिल रीजन ऑफ लीव्स एंड दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड उसके बाद अगर बात करते हैं कॉलेंट कायमा अब आपको पता होना चाहिए ये तीनों है आपके पास इन तीनों में सबसे थिक कौन होता है तो थिक इज अ कॉलन कायमा ठीक है दिस कॉलन कायमा इज़ वन ऑफ द थिकेस्ट जो कि कहाँ पर होता है एपिडर्मिस में होता है बिलो द एपिडर्मिस स्पेसिफिकली किस में होता है डाइकोट में इसको आप लोग लिख लें अच्छा आपके पास इंटर सेलुलर स्पेसिस होती हैं उसका भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपको ये पता है पेरेंट कायमा कॉलन कायमा और स्कलेरन कायमा ये तीनों क्या है सिंपल टिश्यूज हैं ठीक है दे आर द सिंपल परमानेंट टिश्यू दे आर परमानेंट टिश्यू अब इन सब के अंदर थिन कौन होता है थिन हमेशा कौन होता है पेरेंट कायमा ठीक है पेरेंट कायमा इज अ थिन कॉलन कायमा इज अ थिक एंड स्क्लेरन इज अ डेड यहाँ तक क्लियर है आपको बात यहाँ तक चीज़ क्लियर है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं कि सेकेंडरी टिश्यू क्या होते हैं और प्राइमरी टिश्यू क्या होते हैं तो एक बात याद रखिएगा सेकेंडरी टिश्यू क्या करती है इज इट फाइन नाउ स्क्रीन अभी ठीक है अच्छा सेकेंडरी टिश्यू हमारे पास क्या करती है ये बेसिकली कैसे बनती है सेकेंडरी टिश्यू जो वेस्कुलर रीजन, रीजन में होती है वो वेस्कुलर कैमियम से बनती है जो कॉर्टिकल रीजन में होती है वो कॉर्टिकल वो कॉर्टिकल कैम्बियम से बनती है स्क्रीन स्टिल आपको नजर नहीं आ रही ठीक है आपके पास सेकेंडरी टिश्यूज क्या होती है आर फाउंड इन द वेस्कुलर रीजन जो कि वेस्कुलर कैम्बियम से बनती है जो कॉर्टिकल रीजन वाली होती है वो कैम्बियम से मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टाइम चीज़ें नोट डाउन कर रहे होते हैं तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग आपस में कोई भी बात करके दूसरे को डिस्टर्ब कर सके ठीक है तो मैंने चैट बॉक्स इसमें बंद कर दिया प्लांट पार्ट के अंदर आपने इतना ही पढ़ना है इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि वट इज़ अ कॉर्क क्या होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्या होता है आपको पता है ना कॉर्क कैम्बियम के जो अंदर होते हैं ना उसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं ठीक है बेशक इसको लिख लें अच्छा इसके बाद आपके पास टाइप्स ऑफ मूवमेंट आती है अब आपको पता है टाइप्स ऑफ मूवमेंट के अंदर ठीक है टाइप्स आपके पास मूवमेंट के टाइप्स आती है बेसिकली वी हैव टू मूवमेंट की टाइप्स वन इज़ ऑटोनॉमिक अदर इज़ पैराटोनिक ठीक है ये फर्दर भी डिवाइड होती है ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक मूवमेंट फर्दर डिवाइड हो रही है और ये फर्दर इनके टाइप्स हैं जैसे ऑटोनॉमिक की थ्री टाइप्स हैं ठीक है ठीके? तो वो थ्री टाइप्स आपको पता होना चाहिए एग्जाम्पल्स इनकी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं थ्री टाइप्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं ऑटोनॉमिक की उसके बाद पैराटोनिक की आपको पता है दो टाइप्स हैं कौन सी है नेस्टिक है एंड ट्रॉपिकल ठीक है ये सारी टाइप्स आपको अच्छे से आनी चाहिए विद एग्जांपल्स इसकी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो एग्जाम्पल्स हैं तो आपने एग्ज़ाम्पल्स अच्छे से देखने है, नेस्टिक मूवमेंट की एग्जाम्पल क्या होगी ट्रॉपिकल की एग्जाम्पल क्या होगी इनकी फ़र्दर एग्जाम्पल क्या होगी इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि ये बताएं मिमोसा प्योडिका इज एन एग्जाम्पल ऑफ वट ठीक है कौन सी मूवमेंट तो अगर ये आपको ऑटोनॉमिक मूवमेंट दे रहे हैं तो ऑटोनॉमिक होगा अगर ऑटोनॉमिक नहीं दे रहे तो अगर टर्गर दिया हुआ है इन्होंने टर्गर मूवमेंट क्योंकि ऑटोनॉमिक की फर्दर टाइप्स है उसके अंदर ये आता है तो दिस इन एग्ज़ाम्पल ऑफ टर्गर मूवमेंट ये लिख लें आप लोग ठीक है इसकी सारी एग्जाम्पल्स करनी है तो जैसे कि एक uh, क्वेश्चन है मोमिसा प्यूटिका इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्गर मूवमेंट ठीक है इसी तरह आपके पास टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट हैं आपने ये ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ा है इसके अंदर इसकी फर्दर टाइप्स हैं जो कि बहुत आसान है फोटो ट्रॉपिज्म देन वी हैव हाँ जियो ट्रॉपिज्म दैन वी हैव हाँ कीमो ये सारा कुछ पढ़ना है ये सब के कॉन्सेप्ट इनके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से करनी है अगर आप फोटो रहे हैं आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव की एग्जाम्पल क्या होती है फोटो में और नेगेटिव क्या होगी पेपर में बहुत आता है पॉजिटिव की एग्जाम्पल आपको पता है क्या है स्टेम है और नेगेटिव फोटो ट्रॉपिज़म की एग्ज़ाम्पल क्या होगी रूट फोटोट्रॉपिजम क्या होता है कि जब आपका मूवमेंट लाइट की तरफ है तो जाहिर सी बात है रूट लाइट के अगेंस्ट मूव करते हैं जबकि स्टेम लाइट के साथ मूव करते हैं सो स्टेम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म वाइल नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म एग्जाम्पल इज रूट इसको लिख लें इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द जियोट्रॉपिजम तो जियोट्रॉपिज्म क्या है आपके पास ज़मीन की तरफ मूव करना ठीक है ग्रेविटी की तरफ मूव करना इन दिस केस रूट शोज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म वाइल शूट शोज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज़म ठीक है इसको मैं आपको लिखवा देती हूँ अगर आपको ये चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है पी पी मतलब पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म किस पॉजिटिव कौन सा होता है स्टेम होती है ठीक है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म इज स्टैम इसी के साथ नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म इज आल्सो स्टेम ठीक है नेगेटिव मतलब उसके अगेंस्ट मूव कर रही है जबकि आपके पास नेगेटिव फोटोट्रोपिजम इज रूट ठीक है रूट इसके अलावा और क्या है इट इज़ अ पॉजिटिव जियोट्रॉपिज़म ठीक है दिस इज़ अ एग्ज़ाम्पल जो कि आपको समझ आ जाएगी अच्छे से अच्छा इसके बाद आपके पास कीमोट्रोपिज्म इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा आपके पास हाइड्रोट्रोपिज्म थिग्मोट्रोपिज्म ये सब के एग्जाम्पल अच्छे से देख लीजिएगा अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटन जो कि एनिमल्स के, के अंदर होती है एनिमल्स हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटन कुछ एनिमल्स के अंदर होती है हाइड्रोस्टेटिक कुछ में होती है एक्सोस्केलेटन कुछ में होती है एंडोस्केलेटन ठीक है एग्जो की बहुत अच्छे एग्जाम्पल है हमारे पास आर्थ्रोपोट्स वगैरह ठीक है ये आपको पूछी जाती है काइटन किस में होती है आर्थ्रोपोर्ट्स में होती है ठीक है ये एग्ज़ो की एग्ज़ाम्पल है जबकि एंडो की अगर हम बात करते हैं तो एंडो के अंदर वी इट्स सेल्फ फॉर एग्ज़ाम्पल हम ख़ुद एक अच्छी एग्जाम्पल है एंडो के लिए हमारा स्केलेटन इन साइड ऑफ द बॉडी है तो इट इज़ ए एंडो ठीक है अब एक बात याद रखिएगा जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन्स होते हैं वो स्केलेटन जिनके अंदर फ्लूइड होता है हाइड्रो ऑफ अ वाटर हाइड्रोस्लिटन हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन में उनका मूवमेंट का वर्किंग डिफरेंट होता है हाउ दे वर्क दे मूव थ्रो द सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल ठीक है दे वर्क थ्रो द सर्कुलर एंड लॉन्गी मसल्स के थ्रू ये लोग वर्क कर रहे होते हैं और उसके बाद अगर एक्जो की बात करें द गुड एग्जाम्पल इज आर्थ्रोपोर्ट या फिर आप समझ लें एक्जो जो होता है ना वो नॉन लिविंग होता है तो ये चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है एक्जो इज अ नॉन लिविंग ठीक है अच्छा इसके अलावा आप एग्जो नॉन लिविंग हो गया आपके पास इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं फंक्शन वगैरह लिखे हुए सबका फंक्शन सेम होता है क्या होता है कि लेकिन एक्जो का फंक्शन एक ये भी होता है कि साइज़ को बहुत लिमिट तक रखता है ठीक है अगर हम बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन की हम इट्सल्फ एक पूरा स्केलेटन है इसका एक बहुत अच्छा चार्ट बनवा रही हूँ उसको देख लीजिएगा उसको बना लीजिएगा द चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा आपके पास जो है वो एंडोस्केलेटन की बात कर रही हूँ यानी ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग के अंदर कितनी बोन्स होती हैं ह्यूमन बींग हैव टू जीरो सिक्स बोन्स ठीक है bones, जब एक बच्चा होता है ना उसमें थ्री हंड्रेड बोन्स होती हैं जैसे वो ग्रो करता है ना एडल्ट बन जाता है तो उसके अंदर बोन्स क्या होती है कम हो जाती है क्यों बिकॉज बोन्स ज्वाइन हो जाती है तो बेसिकली वी हैव अ थ्री हंड्रेड बोन्स बट वेन इट कम्बाइंस टूगैदर इट विल फॉर्म टू जीरो सिक्स बोन्स तो अगर क्वेश्चन आता है कि एंडोस्केलेटन ऑफ मैन हैव हाउ मैनी बोन्स तो कितनी बोन्स होती है टू जीरो सिक्स बोन्स हैं उसको देख लीजिएगा एंडोस्केलेटन कितनी बोन होती है टू जीरो सिक्स एंडोस्केलेटन क्या होता है हमारा अपना स्केलेटन ठीक है टू जीरो सिक्स बोन है इसकी दो टाइप्स होती है एक होती है ठीक है एक होती है अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसको ना जितना बुलेट्स के फॉर्म में लिखेंगे जितना चार्ट बना कर लिखेंगे उतनी आसानी होगी ठीक है एक्सियल स्केलेटन अपेंडिकुलर स्केलेटन अब अगर हम बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की ये आप लोग प्लीज़ नोट्स बना के लिखते जाइएगा और फिर मुझे भी सेंड कर दीजिएगा मुझे कल के नोट आए थे और अच्छा एक्सियल स्केलेटन क्या होता है फर्दर इसकी फर्दर टाइप्स है पहले हम एक्सियल को पढ़ेंगे अपेंडिकुलर को बाद में ठीक है एक्सियल होता है जिसके अंदर स्कल इंक्लूड होता है वर्टिब्रल कॉलम इंक्लूड होता है रिब्स इंक्लूड होती हैं एंड स्टर्नम इंक्लूड होता है ठीक है अब इनकी नंबरिंग कितनी है नंबरिंग पेपर में पूछी जाती है तो आपको नंबरिंग भी पता होनी चाहिए मैं साथ के साथ लिखवा रही हूँ तो आप भी लिख लें क्योंकि ये एक चार्ट की फॉर्म में आ जाएगा तो आसान हो जाएगा स्कल के अंदर हमारे पास ट्वेंटी टू बोन्स होती हैं कैसे स्कल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं एक होता है क्रेनियम एक होता है फेशियल बोन ठीक है क्रेनियम में एट होती हैं क्रेनियम मतलब जो आपका हेड का रीजन है इट हैव एट बोन्स जबकि फेशियल मतलब आपके जो फेस पे आपको दिख रहा होता है फेशियल बोन इज अब अगर हम स्कल की बात करते हैं तो स्कल हैव ट्वेंटी टू बोन्स वर्टिप्रल कॉलम आपके पास चाइल्ड के अंदर डिफरेंट होता है ठीक है थर्टी थ्री चाइल्ड में होती है वर्टिब्रल कॉलम लिख लीजिएगा सी मीन्स चाइल्ड में कितनी होती है थर्टी थ्री होते हैं और जबकि एडल्ट में ट्वेंटी सिक्स होते हैं ठीक है ठीके? हम जिसे कहते हैं ना फोर्टीन पेयर्स तो ये वही चीज़ है फोर्टीन पेयर्स भी कह सकते हैं और ट्वेंटी सिक्स भी कह सकते हैं एडल्ट में कितनी होती है आपके पास एडल्ट है ट्वेंटी सिक्स अच्छा अब हम बात करते हैं रिप्स की तो आपके पास रिब्स कितनी होती हैं वी हैव ट्वेल्व पेयर्स ऑफ रिप्स ठीक है 12 कितनी होती हैं ट्वेल्व पेयर्स ऑफ रिप्स और इनमें से टू क्या होती है फ्लोटिंग रिप्स हाउ मेनी रिब्स वी हैव ट्वेल्व पेयर मतलब ट्वेंटी फोर रिब्स ट्वेल्व पेयर और इनमें से दो क्या होती हैं दे आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स ठीक है दिस टू आउट ऑफ दिस टू पेयर्स क्या होती है फ्लोटिंग रिब्स ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा स्टर्नम किस कितना होता है एक ही होता है सो इन शॉर्ट ये आपके पास एक्जेस स्केलेटन आ गया जिसके अंदर स्कल कितनी है ट्वेंटी है स्कल की फर्दर दो कैटेगरीज है इसको लिख लीजिएगा एक होता है क्रेनियम एक होता है फेशियल क्रेनियन हैव कितनी बोन्स एट बोन्स वाइल्ड फेशियल हैव फोर्टीन बोन्स डू इट क्विकली ठीक है वर्टिपल कॉलम कितनी होती है थर्टी थ्री के इसमें चाइल्ड में होती है एडल्ट में ट्वेंटी सिक्स होती है रिब्स आपके पास ट्वेल्व पेयर्स होती है जबकि स्टर्नम आपके पास एक होती है ठीक रिब्स के अंदर से ट्वेल्व पेयर्स में से आउट ऑफ ट्वेल्व उसमें से टू पेयर्स ऐसी होती है जो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की आई थिंक यहां तक आपने सबने लिख ली होगी यहाँ तो फर्दर मूव ऑन करने लगी हूँ मैं चैट बॉक्स ऑफ इसलिए कर लेती हूँ ताकि आप लोग आराम से फोकस रोके पढ़ सके जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उसको फोकस रोके पढ़ें मम्मा आईफोन फोन चार्जर वन आईफोन ठीक है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा अब हम हाँ नेक्स्ट पढ़ने लगे अपेंडिकुलर स्केलेटन अपेंडिकुलर स्केलेटन फर्दर हैव अपेंडिकुलर स्केलेटन फर्दर हैव टू टाइप्स ठीक है पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल ठीक दो टाइप्स हैं एक पेक्टोरल गर्डल और एक पेल्विक गर्डल वट इज अ पैक्टरल गर्डल वट इज गर्डल अगर हम बात करते हैं ना फोर लिम्स की मैं इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ बेसिकली यहाँ पे जगह नहीं है अपने आगे लिख रही हूँ ठीक है अपेंडिक्युलर में आगे लिख रही हूँ अपेंडिक्युलर केलेटन के फर्दर दो टाइप्स हैं एक होती है हमारे पास पैक्टोरल गर्डन पैक्टूरल क्या होते हैं फोर लिम्स को कहते हैं ठीक है फोर लिम्स आपके जो ऊपर वाले हाथ और शोल्डर ये चीज़ें ना इनको कहते हैं ठीक है फोर लिम्स अपेंडिकुलर के अंदर पे, पे, पेल्विक क्या होता है एल आर है इसका मतलब है लेग वाला रीजन ठीक है पेल्विक पेल्विक गर्डल कहते हैं इसे ठीक है यानी आपका हैंड हैंडलिम्प कह अब आपके पास याद रखिएगा कौन कौन सी बोन होती है आप लोग इसे लिख ले मैं नहीं लिख रही क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है ह्यूमरस होती है फोर लिम्प में एक ह्यूमरस होती है एक रेडियस होती है एक अल्ना होती है आपके पास एट कार्पल होते हैं इसमें से पेपर में बहुत आता है कि कार्पल्स कितने होते हैं एट होते हैं कार्पल्स ठीक है कार्पल्स एट होते हैं मेटा कार्पल्स फाइव होते हैं ठीक है कार्पल्स ये ब्रेस्ट वाली बोन्स को कहते हैं ठीक है मेटा कार्पल आपके ये वाले होते हैं फैलेंजेज आपके ये हैंड के फिंगर्स के होते ये फोर्टीन होते हैं फैलेंजेज आपके पास जो पेल्विक गर्डल है ना उसमें भी फोर्टीन होते हैं मैं लिखवा देती हूँ बल्कि एक छोटा सा डिफरेंस करके आपको समझाना चाहती हूँ ह्यूमरस आपके पास कितना होता है वन होता है ठीक है रेडियस अल्ना ये सब कुछ किस कितना होता है वन होता है लेकिन जो चीज़ आपसे पूछी जाती है ना वो ये है कि वॉट इज़ मेटाकार्पल मेटाकार्पल कितने होते हैं पेक्टोरल गर्डल के ठीक है मेटाकार्पल होते हैं पेक्टोरल के मेटाकार्पल कितने होते हैं मेटाकार्पल आपके पास कितने होते हैं फाइव होते हैं ठीक है जबकि मेटाटार्सल कितने होते हैं फाइव होते हैं मेटाटार्सल है? है. क्या होते हैं पाँव के जो लाइक म की जो बोन्स है दे आर मेटर ये भी कितने होते हैं फाइव होते हैं अब यहाँ पर कार्पल कितने होते हैं एट होते हैं कार्पल क्या होते हैं ब्रिस्ट की जो बोन्स होते हैं जबकि आपके पास टार्सल कितने होते हैं दे, दे आर एट दे आर सेवन यहाँ पर ये यह चीज़ आपने याद रखनी है टार्सल सेवन होते हैं ना कि एट ठीक इस चैप्टर के अंदर से यही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपने याद रखनी है फैलेंजेस यहाँ पर भी पर है पाओ के उसको बात करेंगे तो पैक्टोरल गर्डल के फैलेंजेस अगर बात करेंगे पेल्विक गर्डल यानी आपके पाओं की बात करेंगे तो ये आपके फोर्टीनों होंगे फैलेंजेस ठीक ज्वाइंट्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जॉइंट्स के टॉपिक के अंदर एग्जाम्पल्स आपने अच्छे से करनी है इसी बेशक आप बुक से नोट डाउन कर लें आपके पास तीन टाइप्स की जॉइंट्स होती है इमूवेबल ज्वाइंट स्लाइटली ज्वाइंट फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट ये तीनों आपने बहुत अच्छे से करनी है इनकी एग्जाम्पल्स तो बहुत बहुत अच्छे से करनी है कार्टिलेज हो गया कार्टिलेज आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ टेंडन व्हाट इज अ टेंडन पता होना चाहिए आपको कार्टिलेज अच्छे से पता हो कितनी कार्टिलेज और इसकी टाइप्स वगैरह स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपके पास uh, जो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है फर्दर दे आर डिवाइडिंग इन टू पार्ट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जॉइंट इसके अंदर जो एग्जाम्पल होती है जैसे आपके पास एक एम सी क्यूज आया हुआ था पास पेपर का ये एक पास पेपर का एम सी क्यूज़ था कि व्रिस्ट के जॉइंट्स uh, का uh, जो व्रिस्ट का जॉइंट होता है वो किसकी एग्जाम्पल है इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ट ठीक है ये किसकी ज्वाइंट किसकी एग्जाम्पल होगा स्लाइडिंग की तो आपको पता होना चाहिए इस एग्जाम्पल ऑफ स्लाइडिंग ज्वाइंट इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं एल्बो का जो होता है ये एल्बो है ना आपकी एल्बो का जो एग्जाम्पल है वो किसकी है एल्बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ पाइवेट ज्वाइंट ठीक है एल्बो किसकी एग्जाम्पल है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पाइवेट ज्वाइंट इसको सबको जो मैं लिखवा रही हूँ उसे बुलेट पॉइंट्स करके आप लोग अपने पास लिख लें ये इस तरह से आपको याद रहेंगी चीजें सही इसके बाद आपसे वर्टिब्रल कॉलम पूछा जाता है एक बात याद रखिएगा वर्टिब्रल कॉलम इज ऑलवेज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइडिंग ठीक है वर्टिब्रल कॉलम किसकी एग्जाम्पल है इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइडिंग ज्वाइंट ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्लियर है अच्छा आपके पास साइनोवियल क्या होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होती है साइनोवियल फ्लूड क्या होता है वोट इज साइनोवियल मेम्ब्रेन असल में आपके जो तो ज्वाइंट्स होते हैं ना लिगामेंट्स और टेंडन का डिफरेंस भी आना चाहिए ठीक है जब भी आपके पास कोई भी बोन टिश्यू से मिलती है ना यहाँ पर आपको लिखवा देती हूँ टेंडन्स और लिगामेंट का फ़र्क अगर आपका कोई भी बोन टू बोन है कनेक्शन तो इसको कहते हैं टेंडन्स ठीक है टेंडन्स अगर आपका बोन से टिश्यू का एक्सपोजर हो रहा है बोन और टिश्यू आपस में मिल रहे हैं तो इसको कहते हैं लिगामेंट ठीक है ligament, और लिगामेंट के अंदर क्या होते हैं उसकी मेम्ब्रेन होती है किस तरह की मेम्ब्रेन होती है हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है लिगामेंट्स के अंदर ना कि टेंडॉन्स ठीक है टेंडॉन्स भी नहीं लिगामेंट में और साइनोवियल फ्लोइड क्या होता है वो फ्लूड जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन के इनसाइड रिजाइड कर रही होती है इसे कहते हैं साइनोवियल फ्लोइड ठीक अच्छा जेनेटिक डिसऑर्डर आपको पता होना चाहिए क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है माइक्रोसिफैली क्या होती है आर्थराइटिस क्या होता है एज इट इज वर्ड दिया जाता है कि वट इज द ऐसा कौन सा डी डिजीज होती है जो कि डी डिजीज़ जब भी पूछेंगे ना तो आपने याद रखना इट्स आर्थराइटिस ठीक है डी जेनरेटिव इज ऑलवेज आर्थराइटिस लिख लें इससे बेशक जब भी आपके स्कल का साइज छोटा हो रहा है माइक्रो मतलब छोटा सिफैली मतलब स्कल तो माइक्रो सिफैली जब भी बोलेंगे तो इसका मतलब है आपके हेड का रीजन का सेल साइज छोटा हो रहा है सही है आर्थराइटिस क्या होता है इन्फ्लेमेशन होती है या डी ठीक है वेन एवर दे आर गोइंग टू यूज द वर्ड इन्फ्लेमेशन और द डी जेनरेशन तो इसका क्या मतलब है आपके हेड का जो आर्थराइटिस है ये ठीक है नॉट अ वो और क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है आपके लिप्स के ऊपर एक कट लग गया इसी तरह आपके पास हॉर्मोनल की बात करते हैं आपके पास पेपर में क्वेश्चंस क्वेश्चन आते हैं कि ऑस्ट्रियोपोरसिस जो है ना वो कौन सी डिसऑर्डर है ठीक है कौन सा डिसऑर्डर है आपके पास ये जेनेटिक डिसडर है या फिर हॉर्मोनल डिसऑर्डर है तो ये भी आपको बताना चाहिए कि हार्मोनल डिसऑर्डर क्या होता है जो हार्मोन्स की वजह से होते हैं फॉर एग्जांपल ऑस्टियोपोरोसिस ठीक है ये हार्मोन के डेफिशिएंसी से हो रहा है जिसकी वजह से इसको ये क्या कहते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर जबकि आपने आर्थराइटस क्लेफ्ट लिप पैलेट एंड माइक्रोसिफैली पढ़ा है दी आर द जेनेटिक डिसऑर्डर तो इसको भी लिख लें वॉट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर अब आपके पास न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स भी होते हैं ठीक है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं जो खाने की कमी से होता है रिकेट्स ऐसी बीमारी होती है जब भी आप पढ़ें ना कि बच्चों के अंदर कमी हो रही है तो याद रखिएगा ये रिकेट है ठीक है बच्चों के अंदर अगर आ, बोन्स की कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है तो इट इज व्हाट रिकेट्स ठीक अच्छा इसके बाद आपके पास स्केलेटन्स के डिसीज हैं आपने ये सारे पढ़ने डिस्क स्पॉन्डोलाइसिस स्पॉन्ड स्पॉंड, ये याद रखिएगा स्पॉन्डायलोसिस क्या वर्टिब्रल कॉलम्स की डी आपके पास डिफॉर्मिटी किसकी स्पॉन्डोलाइसिस के अंदर डिफॉर्मिटी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रल कॉलम आपके पास डिफॉर्म हो जाता है स्पेसिफिकली कौन सा नेक रीजन वाला ठीक तो ये पेपर में पहले भी आया हुआ आपसे ये पूछ सकते हैं इसके लिए लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं प्लास्टिक का कोई भी कॉलर वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी होता है अच्छा इसके बाद आपके पास टाइप्स ऑफ मसल्स दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बाद टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में लिखवा देती हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बाकी टाइप्स ऑफ मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मसल्स ठीक है कितने टाइप्स की मसल्स होती है आपके पास थ्री टाइप्स की ठीक है वन क्या है स्मूथ मसल्स अदर इज कार्डिक मसल अदर इज द नेक्स्ट वन इज कैलीटर अब आपसे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पूछी जाती है बहुत सारी तो है स्मूथ मसल्स कैंटर मसल और ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए स्मूथ मसल्स क्या होते हैं अनस्ट्रियाटेड होते हैं ठीक है दिस इज अन्स्ट्राइट मसल्स अनस्ट्रियाटेड मसल्स ठीक है स्मूथ मसल हमारे पास क्या होते हैं अनस्ट्रियाड मसल्स होते हैं कार्डियक मसल्स स्ट्राइटेड होते हैं जबकि अगर इसकी बात करते हैं दे आर ऑल्सो अनस्ट्राइटेड स्केलेटल मसल की बात करते हैं तो दे आर द इन एक्शन एंड दे आर स्ट्राइटेड ठीक है अच्छा इसके बाद वॉलेंट्री मसल्स कौन से हैं आपके पास आपको पता है ये वॉलेंट्री है ये दोनों क्या होते हैं इन वोलेंट्री होते हैं टू सम एक्सटेंट अब अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कार्डिक uh, मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होता है ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ये इसके अंदर एनर्जी चाहिए होती है ना एनर्जी का मतलब है माइट्रोकॉन्डियस चाहिए तो कार्डिय के पास एनर्जी की ज़रूरत होती है हार्ट है ना कॉर्डिय आपका तो इसलिए आपके पास माइट्रोकॉन्डियस में ज़्यादा होता है और ये यूनि न्यूक्ट होते हैं और ये ब्रांच होते हैं ठीक है यूनि न्यूक्ट एंड ब्रांच एक न्यूक्लियस होता है वन न्यूक्लियस और ये कैसे होते हैं ब्रांच्ड होते हैं और इनकी पिक्चर्स भी प्लीज़ देख लीजिएगा पेपर में पिक्चर्स भी आती हैं तो आपको इनकी पिक्चर्स इतनी काबिल होने चाहिए आप कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें ठीक है अच्छा इसके बाद आप आ, ऐसा कौन सा मसल है जो बार वो जो फटीक होने के जिससे चांसेस ज़्यादा होते हैं तो वो स्केल्टल मसल है ठीक है जैसे आप वॉक ज़्यादा करते हो तो स्केल्टल मसल क्या हो जाता है फटीक हो जाता है यानी आप थक जाते हो और आपकी ये कंट्रोल में ही होता है ठीक लाइक स्केल्टल मसल इज़ अंडर योर ओन कंट्रोल और ये एक आ, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और कॉन्ट्रैक्ट भी स्ट्रॉगली करता है और रैपिडली कर रहा होता है अच्छा इसके अलावा आपके पास जो हमारे पास रह गया स्मूथ मसल्स स्मूथ मसल्स के अंदर आपके स्मूथ मसल्स क्या करते हैं फूड को डाइजेस्ट आपके पाप को पता है ईसो फिगर्स है वो स्मूथ मसल है आपका जो स्टमक है वो क्या है यूरिनरी ब्लेडर ये एग्जाम्पल्स भी आपको आनी चाहिए स्मूथ के एग्ज़ाम्पल्स लिख लीजिएगा आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गए आपका यूरिनरी ब्लेडर हो गया सारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यूरिनरी ब्लेडर आपका प्यूपल ऑफ आई आपकी ब्लड वेसल्स दे आर द स्मूथ ठीक है ये लिख लें ब्लड वेसल्स आर द स्मूथ डाइजेस्टिव ट्रैक ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स ये सारी चीज़ें क्या है स्मूथ मसल्स के एग्जाम्पल में आते हैं स्कैरिटल तो आपको पता है सारे वो मसल्स जो आपके वॉलेंट्री कंट्रोल में हैं जो आपको फंक्शन करा रहे होते हैं तो ये सारे क्या होते हैं और कार्डिक कौन से होते तो जो आपके हार्ट के इनसाइड होते हैं दे आर द कार्डिक मसल्स तो ये इसका बेसिक सा डिफरेंस था जिसमें से आपको स्ट्राइडेड अनस्ट्राइडेड यूनि न्यूक्ट और ये सारी चीज़ें पेपर में पूछी जाती है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छा इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन आता है कि सबसे कॉन्ट्रैक्ट यूनिट किस क्या होता है मसल का कॉन्ट्रैक्ट यूनिट क्या है तो ये चीज़ याद रखनी है कि मसल का कॉन्ट्रैक्ट यूनिट क्या होता है सार्को ठीक सार्कोमेयर इज अ यूनिट ऑफ सार्को को लिख लें सार्कोमेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किसका यूनिट है ये माओफेब्रिल का भी आ सकता है माओफेब्रिल भी आपके पास मसल ही होता है ना ठीक है माओफेब्रिल भी हो सकता है या फिर इसकी जगह आपको मसल भी कैसे

माइसिन uh, क्या होता है वो थिक होते हैं अब आपके पास एक्टिन के फिर फर्दर स्ट्रक्चर्स होते हैं सही आपके पास फर्दर स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि आई बैंड क्या होता है ठीक है आई बैंड क्या होता है थिन बैंड आई बैंड इज कॉल्ड एज लाइट बैंड ठीक है लाइट एंड थिन लाइट एंड प्लस थिन इसको लिखते जाइए बुलेट्स की फॉर्म में ही इसे भी लिख लें आई बैंड क्या होते हैं लाइट एंड थिन उसके बाद वी हैव ए बैंड ए बैंड क्या होते हैं दे आर द डार्क बैंड प्लस दे कंटेन थिक फिलामेंट। ठीक है दे आर द थिक फिलामेंट एंड दे आर द डार्क फिलामेंट देन वी हैव एच बैंड एच बैंड क्या होते हैं जो ए बैंड के दरमियान द एरिया बिटवीन द ए बैंड ठीक है एरिया बिटवीन ए बैंड के दरमियान जो एरिया होता है उसे कहते हैं एच बैंड क्लियर है ये एच बैंड ये सब कुछ अच्छे से आनी चाहिए थ्योरीज आपको अच्छे से आनी चाहिए अच्छा मैं आपको एक बुक के अंदर से बता देती हूँ पेज नंबर मैंने आपको बुक पहले भी प्रेफ़र की थी ओल्ड वन अब भी ओल्ड वन ही प्रेफर करूँगी बिकॉज ओल्ड वन हैव सम मोर स्टफ एज कम्पेयर टू द अदर बुक्स अच्छा आपसे ना एक पेपर में क्वेश्चन आया था जैसे आपने अभी हमने पढ़ा ना आई बैंड ए बैंड एच जोन ये सारा कुछ ठीक है एच जोन भी कहते हैं एच बैंड भी कहते हैं ज़्यादातर एज जोन कहते हैं अच्छा आपके पास क्वेश्चन आया था आपकी बुक में एक लाइन की बुक की लाइन है कि फुल ए कॉन्ट्रैक्ट सार्कोमेयर शॉर्टन बाई थर्टी फाइव परसेंट ठीक है यानी आपके पास शॉर्ट कितना होता है थर्टी फाइव परसेंट अब आपके पास क्वेश्चन ये आपको आसानी से तो नहीं देंगे ना अब इन्हें पता है कि बच्चे को पता है कि जो एक फिलामेंट uh, होती है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होता है सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होता है थर्टी फाइव परसेंट आपके पास पास पेपर का क्वेश्चन है इन्होंने बोला हुआ कि सार्कोमेयर रिलैक्स कितना होता है ठीक है आपने तो कॉन्ट्रैक्ट बच्चन और उन्होंने ऑप्शन में थर्टी फाइव परसेंट भी दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है अगर कोई देखेगा ना थर्टी फाइव परसेंट उसको याद आएगा जो हाँ मैंने पढ़ा था बुक की लाइन है सारको में कॉन्ट्रैक्ट थर्टी फाइव परसेंट जबकि उसको ये याद नहीं रहेगा कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसके अंदर आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं तो थर्टी फाइव लिखा हुआ है इसका मतलब है इसके ऑपोजिट कितना परसेंट रहता है वो इसका आंसर होगा ठीक है तो मुझे बताइएगा कि आ, सारको में रिलैक्स कितना परसेंट होगा सारको में रिलैक्स कितना परसेंट होगा ठीक है सिक्सटी फाइव परसेंट इट्स अ रिलैक्स वन सिक्सटी फाइव परसेंट सारको में रिलेक्स कितना होगा सिक्सटी फाइव परसेंट अच्छा आपके पास एक और क्वेश्चन है यहां पर इसको देख लीजिएगा कि बेंडिंग मूवमेंट फिफ्टी टू हंड्रेड टाइम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यानी विद इन अ सेकेंड आपके पास क्या होता है फिफ्टी से हंड्रेड टाइम्स जो है ना वो मूवमेंट हो जाती है विद इन अ सेकेंड आप देखिए कितना क्विक मूवमेंट है आपके पास एक और क्वेश्चन भी आया हुआ था कि ह्यूमन आई का बताएं कॉन्ट्रैक्ट कितना होता है ह्यूमन आई मसल कॉन्ट्रैक्ट इसको भी लिख लें ह्यूमन कितना कॉन्ट्रैक्ट करती है ह्यूमन का आई मसल कितना करती है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन ज़ीरो पॉइंट जीरो वन कॉन्ट्रैक्ट करी होती है ठीक अच्छा इसके बाद आपके पास कुछ एक नर्व फाइबर का पूछे हुआ है कि कौन जो है ना रिलीज़ होती है तो आपके पास कौन रिलीज़ होता है हमेशा एसिटाइल कॉलिन रिलीज होता है और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है इसका ये पॉइंट लिख लीजिएगा आपसे पूछा जाता है कि डैश सर्व एज अ मसल रिजर्व ऑफ हाई एनर्जी इसमें बच्चे लगा लेते हैं एटीपी डैश सर्व एज एनर्जी सर्व एज अ मसल रिजर्व ठीक है मसल रिजर्व मसल्स के अंदर किस तरह से रिजर्व होती है हाई एनर्जी मसल रिजर्व एज हाई एनर्जी हाई एनर्जी तो वो क्या चीज है इट इज व्हाट इज इट क्रिटिन फॉस्फेट ठीक है सी पी है ये क्रिटिन फॉसफेट इसको लिख लें आपके पास ए टी पी नहीं है डैश मसल रिजर्व हाई एनर्जी इट इज अ सी पी मीन्स क्रिटिन फॉस्फेट क्लियर है यहाँ तक बाकी अपनी बुक से सारी चीजें पढ़िएगा एक दफा आपको पता होना चाहिए मोटर यूनिट्स क्या होते हैं अच्छा क्रैम्प्स के बारे में देख लीजिएगा कि ये क्या होते हैं क्रैम्प्स हमेशा लिम्स मसल्स में होते हैं इसके अलावा जो आगे मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर लिखा हुआ है एडेक्टर क्या होता है एडेक्टर क्या होते हैं ये भी एक दफा बता देती हूँ एडक्टर्स क्या होते हैं जो टूवर्ड्स करवाते हैं ठीक है मूवमेंट टूवर्ड एबडक्टर क्या होते हैं जो, है, है? जो अवे करवाते हैं ठीक है एड हो रहा है ना चीज़ टूवर्ड्स रही है ठीक है अलाउ द आर्म मूव एडेक्टर मसल्स उसके बाद रोटेटर क्या होते हैं जो रोटेट करवा रहे होते हैं मसल्स को इसी तरह आपके पास अमीबा है अमीबा में क्या होती है मूवमेंट अमीबॉइड मूवमेंट होती है पैरामीशियम में क्या होती है पावर स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक्स होती है इन सब को लिख लीजिएगा सिर्फ इनके मूवमेंट पता होनी चाहिए इसके अलावा कुछ भी नहीं अगर आपसे पूछते ना मसल्स के ह्यूमन के अंदर मसल्स कितने होते हैं तो याद रखना है सिक्स हंड्रेड होते हैं और अगर बोन्स पूछते हैं तो कितने होते हैं टू ज़ीरो सिक्स होते हैं और अगर चिल्ड्रन के बोन पूछते हैं तो कितने होते हैं थ्री हंड्रेड होते हैं सही ये चीजें याद रखनी है अच्छा स्कैपूला किससे कनेक्ट होता है स्केपला इज कनेक्टेड विद स्टर्नम बाय स्टर्नम से स्केपला कैसे अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ क्लैविकल ठीक है स्कैपूला क्लैविकल से अटैच होता है इसको लिख लें इज कनेक्टेड ठीक है स्केपला इज कनेक्टेड विद द स्टर्नम बाय क्लैविकल अच्छा आपके पास एक और क्वेश्चन आता है कि कोलेगिन फाइबर्स जो होते हैं ना वो कैसे हार्ड होते हैं ठीक है कॉलेजन फाइबर्स हार्ड होते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट दो चीज़ों से ठीक है कॉलेजन फाइबर किससे हार्ड होते हैं कॉलेजन फाइबर हार्ड होते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फेट से क्लियर है यहाँ तक बात कैल्शियम एंड फॉस्फेट से अब आपको पता है मसल्स टू बोन अटैचमेंट को क्या कहते हैं टेंडन कहते हैं सही अच्छा कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे थे इस चैप्टर के बारे में इसको भी डिटे, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं आपके पास जो टिश्यू आउटसाइड होते हैं ना उसे कहते हैं सेकेंडरी फ्लोएम ठीक है जो टिश्यू इनसाइड होते हैं ना जाइलम यानी आपका जो फ्लोएम होता है ना वो फूड का ट्रांसफर करते हैं फूड आपका बाहर बाहर होता है पानी आपका उसके अंदर होता है ठीक तो ये या आपने याद रखना है आपके पास दो चीज़ें होती है एक होता है सैप फूड जो कि लाइटर होता है वो हमेशा एक होता है हार्ट वुड यानी आप वुड के अंदर देखते हो ना कि आपके पास आपको वुड को देख के आप उसका टाइम बता सकते हो कि ये कितना साल पुराना है बिकॉज ऑफ द हार्ट वुड एंड सैप वुड ठीक हार्ट वुड क्या होता है अंदर का डार्क रीजन जो कि इनसाइड होता है और अंदर होता है और बहुत डार्क होता है दिस इज़ अ हार्ट वुड सैप वुड क्या होता है लाइट होता है और बाहर की तरफ होता है टाइप्स ऑफ मोमेंट्स हमने डिस्कस कर लिया है एक्जल स्कैल्टन स्कल ये सब हमने डिस्कस कर लिया है वॉटरबल कॉलम थर्टी थ्री होते हैं लेकिन जब फ्यूज हो के ट्वेंटी सिक्स हो जाते हैं ठीक है अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने लगे हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए व्हाट इज नर्वस कोऑर्डिनेशन व्हाट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन पेज नंबर आप देखिएगा पेज नंबर इसमें डिफरेंस नहीं लिखा हुआ सही अच्छा वैसे आपको पता होना चाहिए नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो डिफरेंस इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ आप उसको लिख लें अच्छा आपके पास जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है सिर्फ एनिमल्स में होता है ठीक है जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल प्लस प्लांट्स बोथ में होता है इसको लिख लें नर्वस कोऑर्डिनेशन मैं जल्दी लिखवा लेती हूँ नर्विस कोऑर्डिनेशन और केमिकल ये सिर्फ प्लांट्स में हो सॉरी एनिमल्स में होता है ये प्लांट्स प्लस एनिमल्स दोनों में होता है ये हॉर्मोन्स की हेल्प से होता है हारमोन्स ये केमिकल है ना ये न्यूरॉन्स की हेल्प से होता है ये स्लो होता है एक्शन में केमिकल ना आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं आप मेडिसिन भी खाते हो ना तो काम आहिस्ता आहिस्ता होता है ये स्लो इन एक्शन होता है लेकिन लॉन्ग टर्म होता है ठीक है ज़्यादा देर तक होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है ठीक है ये क्या होता है लॉन्ग ड्यूरेशन स्लो है और लॉन्ग ड्यूरेशन ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहता है, है और ये क्या होता है रैपिड इन एक्शन होता है रैपिड इन एक्शन बहुत फास्ट एक्शन करता है और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन यानी आपको पता है जब से आप हाथ पे हाथ रखते हो ना तो आपका जो रिएक्शन होता है वो बहुत क्विक होता है आप अपना हाथ फौरन से विदड्रॉ करते हो वाई बिकॉज आपको फॉरन से एक्शन मिलता है और आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है ठीक है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आप काम कर लेते हो तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन सा uh, कॉर्डिनेशन होता है जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में काम करता है यानी उसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम होती है लॉन्ग टर्म नहीं होती है तो इट इज़ आ न्यूरो ठीक है यानी नर्वस कंट्रोल है केमिकल नहीं है केमिकल बहुत लंबे तक चलता है आपके पास आपको ऑक्सीजन की आपको बहुत अच्छे से रोल याद करना है रोल ऑफ ऑक्सीजन अच्छा याद करें कि ब्रेन का फंक्शन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए साइटोकिन का फंक्शन अच्छे से पता होना चाहिए अच्छा आपके पास पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ये एम सी क्यूज आपके उसका है ऐसा कौन सा हार्मोन है प्लांट्स के अंदर जो सीड डारमेंसी को खत्म करता है तो वो कौन सा हार्मोन है इट इज अ साइटोकिनिन इसको लिख लें ठीक है साइटोकिनिन ऐसा हार्मोन है जो आपकी सीड व्हाट इज सीड डॉर्मेंसी यानी सीड जब सो जाते हैं ना यानी वो एक प्लांट ग्रो नहीं कर रहा ये सीड डॉर्मिनसी है तो साइटोकेरिन आपके पास अब जब हम साइटोकेरिन देते हैं ना तो फिर आपका वो सीड uh, जो है ना वो ग्रो करने लगता है पेपर में आता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैस तो होता है ठीक है जो गैस होता है जो कि हार्मोन की तरह एक्ट करता है बट इट इज अ गैस तो एक चीज याद रखिएगा इथिन ठीक है इथिन इज अ गैस इथिन गैस होता है डिस्पाइट ऑफ इट इज अ गैस बट स्टिल इट एक्स एज अ हार्मोन सही है ऐसा कौन सा प्लांट का हार्मोन है जो गैस होता है इट इज़ इथिन तो ये एग्जांपल आपको पता होना चाहिए और इथिन ज्यादातर जब भी आप सुनोगे ना तो आपको पता होना चाहिए राइपनिंग में हेल्प करता है व्हाट डज राइपनिंग मीन यह आपके फ्रूट को राइपन करने में हेल्प करता है मतलब उसको जल्दी जो है मतलब उसको ग्रो करवाता है जल्दी ग्रो करवा लेता है आपने देखा होगा जो जैसे मैंगोस आते हैं तो मैंगो जो है ना वो जो है ना कच्चे होते हैं तो उसको राइपनिंग के लिए आप क्या देते हो इथिन दे सकते हो ज ए गैस एक हॉर्मोन है अब आपके पास रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल टिश्यू आपको ये भी पढ़ना है सारे इन्वायरमेंटल टिश्यूस पढ़ने हैं एक दफा पढ़ लीजिएगा सिर्फ अच्छा एक और चीज याद रखिएगा अब अब फोर्टी डिग्री सेल्सियस प्लांट जो होते हैं ना वो क्या करते हैं एक हीट स्टॉक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं हीट शॉक प्रोटीनस अब आप फोर्टी डिग्री सेल्सियस फोर्टी डिग्री सेल्सियस से ऊपर प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स ठीक क्यों प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपने प्लांट्स को बचा सके जबकि इसी के सेम रिस्पॉन्स में अगर प्लांट्स ज़्यादा जा, ठंडे हो जाते हैं बहुत कोल्ड हो जाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग क्रिस्टल्स ठीक है अभी जो क्रिस्टल्स होते हैं ना जैसे फॉर एक्ज़ाम्पल कोई प्लांट है इसको कोल्ड सिचुएशन में रखा गया है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं दे प्रोड्यूस द पॉलीमर ऑफ फ्रकटोज ठीक है पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज पॉलीमर ऑफ फ्रकटोज प्रोड्यूस करते हैं यानी क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं सुपर कूल स्ट्रक्चर सुपर कूल स्ट्रक्चर ऐसे कूल cool स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ सेल वॉल इन्वॉल्व होती है सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं करते ये लोग सही है वरना सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि ये लोग प्लांट्स प्लांट्स क्या हो जाएगा डेड हो जाएगा सिर्फ इनकी बाहर से जो होती है वो बहुत ठंडी लेयर होती है जो क्या करती है क्रिस्टल बन जाती है ताकि वो अंदर वाले जो प्लांट होता है उसको सेव कर सके अच्छा आपके पास नर्वस सिस्टम की आप पाथवेज की बात कर लेते हैं आपके पास आपको पता होना चाहिए वट इज़ अफेरेंट पाथवे दो पाथवेज होते हैं चार्ट बना रहे उसको देख लीजिएगा एक होता है अफेरेंट पाथवे एक होता है इफेरेंट पाथवे ठीक है ई मतलब ई से आ रहा है अफेरेंट मतलब ए वाला अफेरेंट ठीक है आपके पास जो है ना रिस्पॉन्स होती है स्टिमिलाई रिसेप्टर पहले एक स्टिम्य आता है ठीक है उसके बाद आपको उसके अगेंस्ट रिसेप्टर्स होते हैं जो वर्क करते हैं फिर वो रिसेप्टर अपना एक्शन सेंड करते हैं सी को फिर सी के थ्रू वो जाते हैं इफ़ेक्टर पर जिस तरह आपके काम करना होता है इफ़ेक्टर्स जो है वो फिर क्या करवाता है रिस्पॉन्स करवाता है अब आपके पास अफेरेंट कैसे काम करते हैं इफ़ेरेंट कैसे काम करते हैं जो अफेरेंट होते हैं जो अफेरेंट होते हैं आपके पास वो हमारे पास चिमलाए से सी एन की तरफ लेके जाते हैं ठीक है अब अफेरेंट ए वाले ये ए वाले हैं क्या करते हैं कोई भी स्टिमुला आता है ना तो उसको सी एन एस तक लेके जाते हैं कि हमें ये मसला है हमारी बॉडी का ये मसला आ रहा है इसको सॉल्व कर लें सी एन एस तक कौन लेके के जाता है अफेरेंट फिर सी एन एस जो है ना वो खुद तो काम नहीं करता ना वो सिर्फ एक्शन देता है सी एन एस क्या होता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ठीक है वो आपको एक्शन देता है वो एक्शन जो देता है ना वो किसके थ्रू देता है इफेरेंट के थ्रू ई e के थ्रू नर्व के पाराथ हुए ठीक है आपके नर्वस कॉर्डिनेशन में दो पाथवे होते हैं एक अफेरेंट एक सी एन एस टू इफेक्टर्स तो इसको आप लोग देख लीजिएगा आपके पास आपको डेंड्रॉइड एक्सॉन्स इनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए सोमा क्या होता है आपके पास सेल बॉडीज कॉल सोमा डेंड्रॉइड क्या होते हैं से चीजें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं ठीक है एक्सॉन क्या होते हैं जो आपके पास मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ ठीक है ये क्या आपके पास ये हमारे पास सोमा है यानी सेल बॉडी ये क्या है डेंड्राइड है बहुत रफली बनाया मैंने ये क्या है एक्सॉन है ठीक है ये क्या है एक्सॉन टर्मिनल्स है टर्मिनल्स है ठीक तो ये चीज़ें होती हैं आपके पास अब आग आपके पास तीन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन आपको पता होना चाहिए सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं रिसेप्टर टू सी लेके जाते हैं मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं सीएनएस के अंदर ही काम करते हैं इंटर न्यूरॉन सीएनएस से इफेक्टर पे लेके जाते हैं इंटर न्यूरॉन क्या होता है जो सीएनएस में काम करते हैं इन सबको बेशक लिख लें ठीक है सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करते हैं रिसेप्टर टू सी एन एस इंटरन्यूरॉन सीएनएस में ही काम करते हैं एक्शन देखते हैं यानी ये क्या करते हैं इंटरप्रिटेट करते हैं इंटरन्यूरॉन क्या करते हैं सेंसरी और मोटर के अंदर फंक्शंस को कनेक्ट करते हैं सीएनएस के अंदर उसके बाद जो आपके पास आता है मोटर न्यूरॉन वो क्या करता है सीएनएस से लेके जाता है इफेक्टर तक कि इसको काम करना है एक्शन तक अब व्हाट इज़ रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन इट इज़ अ रैपिड एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कोई भी रैपिड एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन ठीक अच्छा आपके पास नर्व uh, इम्पल्स क्या होती है आपके पास रेस्टिंग मेमब्रेन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल ये इन साइनेप्स। साइनेप्स क्या होती है दो नर्व्स के दरमियान अब जैसे ये इसका एक आ, आ, क्या है ये इसका एक्सॉन टर्मिनल है ठीक है यहाँ से फिर जब दूसरा डेंड्रॉइड कनेक्ट होगा ठीक है दूसरा एक्सॉन कनेक्ट होगा दूसरा डेंड्रॉइड कनेक्ट होगा की जगह हो क्या कहते हैं साइन कहते हैं इट्स अ प्लेस इट्स अ रीजन बिटवीन द टू थिंग्स टू न्यूरॉन्स के दरमियान सही तो साइन के अंदर क्या कितने कंपोनेंट्स होते हैं तीन कंपोनेंट्स प्री साइनेप्टिक मेम्प्रेन साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक जो ऊपर वाला रीजन है ना इसको फिर प्री बोलेंगे नीचे वाले को पोस्ट बोलेंगे अंदर वाले को क्या कहते हैं क्लेफ्ट क्लेफ्ट मतलब स्पेस ठीक अब ये पूरा मैकेनिज्म है तो ये आपको पूरा मैकेनिज्म बुक से अच्छी तरह से रटना है बहुत आता है इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है तो ये मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ आप इसको देख लीजिएगा पेज नंबर सिक्सटी सिक्स है आपने इसमें से सब कुछ देखना है आपको पता होना चाहिए कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कब होता है माइनस सिक्सटी फाइव एम होता है ठीक है यानी माइनस फोर्टी से लेकर माइनस नाइन्टी आपके फेडरल बोर्ड में माइनस सेवेंटी लिखा होगा लेकिन अगर आपके पेपर में माइनस सिक्सटी फाइव और माइनस सेवेंटी दोनों आते हैं तो आपने माइनस सिक्सटी फाइव को लगाना है क्योंकि आपकी सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग माइनस सिक्सटी फाइव है ठीक लेकिन अगर माइनस सिक्सटी फाइव नहीं आता तो आपको फिर आपने माइनस सेवेंटी लगाना है क्योंकि आपके फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग माइनस सेवेंटी है और आपकी इवन बुक के अकॉर्डिंग बुक कह रहे हैं कि माइनस फोटी एम से लेकर माइनस नाइन्टी क्या है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी इसको लिख ले अब आपके पास प्लस 40 है डीपोलराइजेशन होती है प्लस फोर्टी पे फिर माइनस सिक्सटी फाइव दोबारा से होगी इसको क्या कहते हैं रिपोलराइजेशन ठीक यानी एक्शन पोटेंशियल किस पे होता है प्लस फोर्टी पे होता है ठीक है यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर होंगी एक और चीज आपके पास आती है नीजर्ग की एग्जाम्पल पूछी जाती है तो आपने याद रखना है नीजर्क के एग्जाम्पल क्या होता है नीजर्ग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसाइनेप्टिक ये मोनोसाइनेप्टिक एग्जाम्पल है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्ग ठीक है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स की एग्जाम्पल है ना के डाय की ठीक है मोनो की एग्जाम्पल है इसके अलावा इनवर्टिब्रेड्स के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं पॉलीसाइनेप्टिक्स होते हैं डिफ्यूज नर्वस सिस्टम के एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए एक इकाइनोडर्म्स एंड नाइडेरियन एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूज नर्वस सिस्टम सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम के एग्जाम्पल्स आपको आनी चाहिए ठीक है डिफ्यूज के एग्जाम्पल में क्या आते हैं नाइडेरियंस एंड इकाइनोडर्म्स इसको लिख ले डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन द नाइडेरियंस ई सी लिख दे सिर्फ डिफ्यूज के एग्जाम्पल में क्या आएगा ई सी ई सी मतलब इकाइनोडर्म एंड नाइडेरियन सही उसके बाद आपके पास सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सारे कॉर्डेट से लेकर ह्यूमन बींग सब क्या है सेंट्रलाइज हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं एक होता है सीएनएस एक होता है पेरिफल नर्वस सिस्टम वो है सीएनएस सी एन एज कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो भी इंटरप्रिटेशन हो रही है दिस आर कॉल्ड एज सी एन एस ठीक जबकि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों ही सीएनएस पेरिफल नर्वस सिस्टम क्या है अदर देन दिस इज कॉल्ड पेरिफल अब ब्रेन की हम बात करते हैं तो ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं उनको क्या कहते हैं मैनन्जेस ठीक है लेयर्स आर कॉल्ड एज मैनजेस इसके अंदर जो फ्लूड होता है ना विच इज कॉल्ड एज सी एस एफ सी एस एफ क्या होता है स्पाइनल फ्लूड सही आपके पास ब्रेन के पार्ट्स हैं आपके पास फोर ब्रेन है मिड ब्रेन है हिंड ब्रेन फोर ब्रेन की फर्दर दो टाइप्स है एक होता है टैलन से सबके फंक्शन बहुत अच्छे से आंसर ये एक क्वेश्चन बहुत आता है पास पेपर का है, कि सेरी डैश आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रो द स्ट्रक्चर कॉर्पस कॉलिज्म या फिर आप समझ लें एक लाइन है सेरिब्रल हेमिसफेयर आपको पता है सेरिब्रम जो होता है ना उसके अंदर दो सैरिब्रम्स होते हैं ठीक है आपके ब्रेन के अंदर वो दो सेरिब्रल हेमिसफियर्स यानी आधे आधे जो सेरीब्रम है ना वो कैसे कनेक्ट होते हैं सेरिब्रल हैफेयर हमेशा कनेक्ट होते हैं बाय द कॉर्पस कॉलिज्म ठीक तो ये आप ये एक स्ट्रक्चर है आप जब फर्दर मेडिकल में आएंगे इन तो फिर आप लोग पढ़ेंगे वट इज कॉर्पोस कॉलिज्म ठीक है सेलिबल हेमिसफेयर किससे कनेक्ट होते हैं कॉर्पस कॉलिज्म से अटैच होते हैं और एक और बात याद रखिएगा जब भी आप बात करते हो ना ब्रेन की तो ब्रेन के अंदर इनर क्या होता है वाइट होता है और आउटर रीजन ग्रे होता है सही स्पाइनल कॉर्ड के इसके ऑपोजिट है स्पाइनल कॉर्ड में इनर क्या होता है ग्रे होता है आउटर क्या होता है वाइट होता है सही ये सारी बातें हो गई इसके अलावा सेरिब्रल हैसफियर के फर्दर लोब्स होते हैं लोब्स क्या होते हैं पार्ट्स होते हैं ये आपका फ्रंटल है देन वी हैव हाँ पेराइटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल ये सारे क्या है लोब्स हैं ठीक तो इनके नाम्स भी चाहिए। बात, बात आने चाहिए अब डाइन सेफिलोन आपके दो पार्ट्स हमने बात किए थे फोरब्रेन के टेलन सेफिलॉन डायन सेफिलोन आपको फंक्शंस आने चाहिए वट इज विच इज़ अ क्लियरिंग हाउस मैं ये पूरा इन डिटेल तो नहीं पढ़ा सकती आपको जो मेरे बस बैचेस में हैं उन्होंने ये डिटेल से पढ़ा होगा लेकिन जो बच्चे नहीं हैं तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा बार बुक से लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूं कि वो चीज़ आपको कवर अप आप करवा दूँ जो मेन मेन पॉइंट्स हैं जो मेन और इंपॉर्टेंट चीज है ठीक शॉर्ट टर्म मेमोरीज में कौन हेल्प करता है ठीक है आपके पास पूछा जाता है सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस कौन है और शॉर्ट टर्म में कौन करता है हेल्प? तो इट इज अ टैलेंट सिफ यानी सैरिब्रम ठीक सरीब्रम हेल्प करता है आपसे क्लियरिंग हाउस पूछा जाता है क्लियरिंग हाउस वट इज अ क्लियरिंग हाउस क्लियरिंग हाउस कौन होता है थैलेमस इज कॉल्ड एज क्लियरिंग हाउस ठीक उसके बाद हाइपोथैलमस के बारे में एक चीज बहुत मशहूर है कि आपके पास होम्योस्टेसिस की जो सारी चीज़ें होती है ना वो हाइपोथैलमस करते हैं आपका बॉडी को टेम्परेचर को मैंटेन इसको लिख ले कि रेगुलेशन ऑफ होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है जाहिर बॉडी टेम्परेचर ब्लड प्रेशर हंगर थ्रिस्ट ये सब कुछ कौन करा हाइपोथैलमस ठीक इसे लिख ले इसके बाद एमेक्डेला जो होता है ना वो आपके पास पनिशमेंट या कोई भी आपकी सेंसेशंस होती हैं वो सारी सेंसेशन एमेक्डेला के थ्रू होती हैं सही हिपो कैंपस आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी कौन था टेलन जबकि आपके पास लॉन्ग टर्म कौन है हाइपोथेलमस सॉरी हिपो ठीक है हिपो आपको पता होना चाहिए विच इज़ द लार्जेस्ट ब्रेन का पार्ट सैरी ब्रम विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट सैरी ब्रम ब्रम जो आ रहा है ना सी ई आर आई यू वाला इट इज़ अ लार्जेस्ट जो बैलम है इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ठीक है बैलम इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट आपके पास ऐसा कौन सा ये पेपर कैम सी क्यूज है ब्रेन में से कैम सी क्यू जरूर आता है तो प्लीज़ सब कुछ कवर अप कीजिएगा ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो हेल्प करते हैं आपको लाइक वो जो है ना आपको रेगुलेट करता है मस्क, मसल्स को तो मस्क्यूलर कॉर्डिनेशन कौन करवाता है पोन्स ठीक पोन्स हेल्प इन द मस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन इट हेल्प्स इन द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन कौन हेल्प करता है पोन्स हेल्प इन द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन आपके पास ब्रेन स्टेम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं ये बात आपसे बहुत पूछी जाती है तो ये चीज़ भी लिखवा देती हूँ ब्रेन स्टेम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं एनी वन ब्रेन स्टेम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं मेट्यूला प्लस पोन्स एंड मिड ब्रेन ठीक है आप इसको ऐसे ऐद कर लें एम एम पी ठीक एम एम पी एम मतलब मिड ब्रेन पोन्स ये तीनों जब भी चीजें मिलती हैं तो ये क्या जाता है ब्रेन स्टेम एम एम पी इसको रेटिकुलर फॉर्मेशन भी कहते हैं और ब्रेन स्टेम भी कह सकते हैं ठीक है रेटिकुलर फॉर्मेशन भी कहते हैं ये क्या करते हैं आप जो सोते हैं उठते हैं सारा कुछ आपका ब्रेन स्टेम करवा रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में और ब्रेन के बारे में मैंने ऑल्टरनेट बात बताई थी ब्रेन अंदर से आपने देखा होगा ना कार्टून के अंदर भी व्हाइट दिख रहा होता है तो ऐसा ही होता है आपका ब्रेन इनसाइड साइड व्हाइट होता है आउटसाइड उसका ग्रे रीजन होता है स्पाइनल कॉर्ड इसके बिल्कुल ऑल्टरनेट होता है उसका बाहर से ग्रे इन ग्रे होता है और बाहर से वाइट होता है स्पाइनल कॉर्ड में दो होते हैं एक होता है डॉर्सल रीजन एक होता है वेंट्रल रूट ठीक तो आपके पास जो डॉर्सल होता है उसके अंदर सेंसरी होते हैं ये आपने चीज़ लिख ले कैसे मैंने कैसे याद की थी देखिए डॉर्सल में ऐसा आ रहा है ना डॉर्सल में ऐसा आ रहा है इसका मतलब है इस क्या करता है सेंसरी चीज़ें करवाते हैं सेंसरी एक्शन करवाते हैं वेंट्रल क्या करवाता है मोटर एक्शंस करवाता है सही है डॉसल सेंसरी वेंट्रल मोटर एक्शंस अच्छा अब पेरिफेरल में आपके पास क्रेनियल नर्व्स आती हैं स्पाइनल नर्व्स आती हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम सुमेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए आपको टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमिक सिस्टम पता होना चाहिए दो टाइप्स होती है ऑटोनॉमिक सिस्टम की एक होती है पैर एक होती है सिम्पेटिक व्हाट इज़ पैरा व्हाट इज सिम्पेथैटिक बहुत आता है पेपर में ये बहुत इसमें से एक क्वेश्चन आता है पैरासिम्पेथैटिक और सिंपैथैटिक में से आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको जैसे आपको जैसे आपको एग्जाम का एक डर होता है ठीक है दिस इज़ एमरजेंसी सिचुएशन तो सिंपथैटिक को कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स ठीक है सिंपथैटिक इसको लिख लें इसका डिफरेंस बना के थोड़ा बहुत करवा देती हूँ पैरासिम्पथैटिक एंड सिंपथैटिक वट इज़ पैरासिम्पथैटिक ये रेस्टिंग कंडीशन में काम करता है ठीक है रेस्टिंग कंडीशन में जबकि सिम्पथैटिक क्या होता है एमरजेंसी कंडीशन में फॉर एग्ज़ाम्पल फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं इसको भी लिख लें फाइट और फ्लाइट कंडीशन इसमें क्या होता है आपके पास दोनों के इसके अंदर क्या होता है आपका हार्ट रेट बहुत इंक्रीज हो जाता है इसमें सब कुछ नॉर्मल रहता है ठीक है हार्ट बीट नॉर्मल है और भी है. ब्रीदिंग भी नॉर्मल है इसके अंदर ब्रीदिंग भी इंक्रीज हो जाती है इसमें क्या होता है प्यूपिल की कॉन्ट्रैक्शन होती है प्यूपिल ऑफ आई होता है ना उसी उसकी कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन होती है और जैसे आपको डर लगता है ना तो आपको जो प्यूपिल ऑफ आई होता है ना वो तो रिलैक्स हो जाता है यानी बड़ा हो जाता है ठीक है आपके पास क्या होता है रिलैक्स हो जाता है इसमें डाइजेशन भी नॉर्मल होती है इसके अंदर डाइजेशन भी इेगुलर होती है ठीक है इंक्रीज हो जाती है ये सारी चीज़ें हैं अब आपके पास रिसेप्टर्स आते हैं रिसेप्टर्स क्या होते हैं जो आपको फील होता है पेन का रिसेप्टर है अब एक पेपर में एक क्वेश्चन आया था पेन के रिसेप्टर का दूसरा नाम क्या होता है नोसी ठीक है इसको भी लिख लीजिएगा पेन के रिसेप्टर को क्या कहते हैं नोसी ठीक अच्छा थर्मो रिसेप्टर होता है कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ये सारे रिसेप्टर्स के नाम है अच्छा आपके पास जो है ना इन आपके पास रिसेप्टर्स के अंदर फर्दर टाइप्स होते हैं सेंसरी पे दो चीजें मैं आपको बता रही हूँ एक होता है मेजनल कॉर्पोसल एक होता है पैसिनियन कार्पोसल ठीक है इसको लिख लिया मेजनल कॉर्पोसल एंड पैसिनियन जो मिजनर्स होते हैं ना दे डू नॉट हैव हेयर ठीक है वो सारे आपकी बॉडी के पार्ट जिसके पास इतनी सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है बट दे डोंट हैव द हेयर्स लाइक आपके फिंगर टिप्स इनकी सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है आपने देखा अगर आपके फिंगर टिप्स पर कभी भी हेयर ग्रो नहीं करते आपकी आईलेट्स पे कभी नहीं ग्रो करते आपके लिप्स पे पाम्स पे सोल्स पे ये सारी वो रीजनस हैं जहाँ पर आपके मिजनर कार्पोसल्स के लाते हैं जहाँ पर आपके हेयर ग्रो नहीं करते एंड दे आर वेरी डायलेटेड ठीक इसके अंदर क्या होता है थिक कोलेगेन फाइबर्स होते हैं जबकि पैसिनियन कौन से होते हैं जो कि हमारे पास इंटरनल ऑर्गेन्स में होते हैं एंड दे आर द मूवेबल ठीक है इंटरनल ऑर्गेन्स में होते हैं अच्छा पेसिनियन की एग्जाम्पल क्या होगी डर्मिस होगी आपकी स्किन की डर्मिस होगी मेजनर की एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी अच्छा इसके अलावा आपके पास डिजीज है नर्वस डिजीज है डिसऑर्डर्स है ये आपने अच्छे से पढ़ना है आपके पास एक आया हुआ था कि सॉन डिजीज के ट्रीटमेंट में कौन सी इफेक्टिव मेडिसिन है तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए इसको लिख लें पार्किंसन डिजीज होती है ठीक है इट्स अ डिजीज ऑफ द नर्वस डिसऑर्डर पार्किंसन डिजीज इसके आपके ट्रीटमेंट में क्या यूज करते हो आप लोग आप लोग यूज़ करते हो लेवोडोपा ठीक है इट्स अ मेडिसिन लेवोडोपा अब आपके पास एक और है इट्स अल्जमर्स डिजीज ठीक है लेवोडोपा इट इज आपके पास एक और डिजीज डिजीज़ कॉल्ड एज अल्जेमर्स डिजीज़ अब इसमें क्या होता है आपके पास इसके फर्दर स्टेजेस होती है आपको इसके अंदर कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है डिज़ीज़ में इसकी थ्री स्टेजेस होती है पहले इंसान भूलने लगता है फिर आपके पास सीवियर लॉस ऑफ़ मेमोरी हो जाती है ठीक है और थर्ड स्टेज में क्या होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है इवन आप अपने आइडियाज़ भी भूल जाते हो उसको डिल्यूजन्स भी कहते हैं मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ इस पेज नंबर सेवेंटी सिक्स इसके अंदर डिजीज़ लिखी हुई है आपने इसको पढ़ना है ठीक है इट्स नॉट अ लियोडोप इट्स अ लिवो नहीं लियोडोप है अजान का वेट कर लें काइंडली so एक दूसरे से बातें करने से अच्छा आप लोग अपने नोट्स बना लें और पढ़ लें दिस इज अ टाइम जब आपको लग रहा है कि आपको ऐसे लग रहा होगा कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है बट इन एक्चुअली यू डोंट है टाइम तो बातें करने से अच्छा है अपने नोट्स बनाएं पढ़ाई करें विच डायग्राम यू टॉकिंग अबाउट ओके लेट मी सी पेज नंबर सिक्सटी फाइव अच्छा पेज नंबर सिक्सटी फाइव में ना आपके पास न्यूरस बने हुए हैं अच्छा इनके अंदर जो सबसे पहले बना हुआ है वो वो मोटर न्यूर है मोटर न्यूर के बारे में आपने एक चीज़ याद रखनी है आ, मोटर न्यूर क्या होता है आपके पास मल्टीपोलर होता है मल्टीपोलर मतलब बहुत सारे इसके डेंड्रॉइड्स होते हैं इसको लिख लें आप देख रहे होंगे ना आप यहाँ पर देखिए मोटर न्यूर बना हुआ है इसके बहुत सारे डेंड्रॉइड्स बने हुए हैं इसका ये मतलब है इट इज़ अ मल्टीपोलर ठीक मल्टीपोलर मतलब मैनी डेंड्रॉइड्स जबकि जो सेंसरी न्यूर है ना सेंसरी न्यूरॉन के पास यूनिपोलर है सिर्फ एक डेंड्राइट होता है इसको लिख लें जबकि जो आपका दूसरा है दिस इज अ इंटर न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन मल्टीपोलर लेकिन नो मालिन शीट इसको लिखे इसी इस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताया हम दोबारा से रिपीट कर देती हूँ आपके पास जो मोटर न्यूरॉन होता है ना इट इज अ मल्टीपोलर ठीक है मल्टी एम मतलब मल्टीपोलर आपके पास जो सेंसरी न्यूरॉन होता है इट इज़ यूनिपोलर ठीक आपके पास जो इंटर न्यूरॉन होता है इट इज़ मल्टीपोलर प्लस नो माइलिन मालिनशीट माइलिन शीत क्या होती है जो कवरिंग बनी होती है किसकी एक्जोन की ठीक है इसकी वो कहते हैं माइलिन शीट इसमें हमारे पास कोई भी माइलिन शीट नहीं होती और एक और चीज याद रखिएगा एग्जॉन्स जो होते हैं ना ये जो लॉन्ग सी आपको दिख रही है दिस इज एग्जॉन एग्जॉन्स के अंदर हमारे पास दे आर द कंडक्टिंग एंड्स ऐसे एंड जो कंडक्ट कर रहे होते हैं और एक और बात याद रखिएगा आपके पास जो सोमा होता है ना इसके अंदर होता है निजल सब्सटेंस निजल सब्सटेंस का क्या मतलब होता है दे आर द कंसिस्ट ऑफ राइबोजोम ठीक है दे आर कंसिस्ट ऑफ रॉबोजोम्स अच्छा यहाँ तक आपको क्लियर है अब आप लोग आ जाए ए... हारमोन एक्शन पे आ जाते हैं हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड में आपको कह रही हूँ रट लें आपको पता होना चाहिए कि रिलीजिंग हार्मोन्स कौन से होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स कौन से होते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन दोनों डिफरेंट है रिलीजिंग कौन से होते हैं जो रिलीज़ करवाते हैं हार्मोन्स को इनहिबिटरी क्या होते हैं जो उसको रोक रहे होते हैं अब आपने याद रखनी है कि हार्मोन्स पिचुडरी क्लैंड के कौन से रिलीजिंग होते हैं ठीक है और इनहिबिटरी हार्मोन्स कौन से होते हैं बेसिकली क्या होता है आपके पास हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं एक होता है ऑक्जीटॉक्सिन एक होता है एडीएच ठीक है आपके पास जो ऑक्जीटॉक्सिन और एडीएच एच दे आर द इनहिबिटरी हार्मोन्स वाई इनहिबिटरी ये प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस में होते हैं लेकिन रिलीज पिचूटरी से होते हैं ठीक है सो दैट्स वाई दे आर द कौन से हार्मोन्स इनहिबिटरी हार्मोन्स इसको लिख लें आई एच वाट इज आई एच इन हीबिटरी वट इज़ इट इनहिबिटरी हार्मोन्स क्या होता है हमारे पास इनहिबिटरीज ए डी एच एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन एंड ऑक्सीटॉक्सिन सही है आपके पास अब पिच्यूट्रिक ग्लैंड के अंदर आपको पिच्यूट्रिक ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं ठीक है पिच्यूट्रिक ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड और ये कहाँ पर होता है ब्रेन में लोकेट होता है बेस ऑफ हाइपोथैलेमस में होता है और एक छोटा सा साइज होता है इसका पी साइज होता है इसके तीन लोब्स होते हैं एंटीरियर लोब्स होते हैं पोस्टीरियर ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए अच्छे से डीप ये डिटेल में आपने पढ़ना है इसका पूरा कि आपके पास ट्रॉपिक हारमोन कौन से होते हैं सोमाटोटोपिन हार्मोन का क्या फंक्शन है प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या फंक्शन है ट्रॉपिक हार्मोन में आपके पास कौन कौन से आते हैं पेपर में आते हैं आपके पास एक्सेप्ट विच वन यानी आपके पास एनसी लिखा होता है इन ट्रॉपिक हार्मोन दीज हार्मोन्स आर इंक्लूड एक्सेप्ट विच सो पोलिको स्टिमुलेटिंग हारमोन एफ एस एच ये सब इसके पार्ट हैं आपको एबनॉर्मल नॉर्मल कंडीशन पता होना चाहिए वट इज गाइगेंटिजम ये क्या है चाइल्ड हुड की डिजीज़ है ठीक है चाइल्ड हुड की डिजीज़ कौन सी है गाइगेंटिज्म डोरफिजम डोरफिजम क्या होती है इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ़ चाइल्ड हुड एज वेल जिसके अंदर आप छोटा आपका जो सोमा टोट्रोफील होता है उसका लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से आप शॉर्ट रहते हो एक््रोमिगैली क्या होता है एडल्ट एडल्टड की डिजीज़ है अच्छा ये सारी चीज़ें आपके सब चीज़ें याद करनी है टी थ्री टी फोर आपको पता होना चाहिए वट इज़ टी थ्री टेट्रा लिख लें टी, टी फोर इज अ अ टेट्रा इज इस ट्राई इसके डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि आपको ये चार चीजें सब कुछ याद करना है ग्वाइटर किसकी डेफिशिएंसी से होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है ठीक क्रिटिनिज्म क्या होता है चाइल्ड होल्ड में होता है क्यों होता है ये सब पढ़ना है अच्छा इसके बाद आपके पास आता है अच्छा आपके पास ना पेनक्रियाज पेनक्रियाज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर छोटी छोटी बातें इसको बताने लगी है देखिए पेनक्रिया में आपके पास अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं ठीक वट इज एल्फा सेल्स वट इज बीटा सेल एल्फा सेल्स क्या होते हैं कोई वट इज एल्फा सेल कौन से सेल होते वट इज एल्फा सेल्स वट इज एल्फा सेल्स कैन एनीम टेल वॉट इज अल्फा सेल अल्फा सेल्स आर ग्लूकागोन ठीक है अल्फा सेल्स so, क्या प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागोन प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन नहीं बीटा सेल प्रोड्यूस करते हैं बीटा सेल प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन सही है इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है ग्लूकागोन प्रोड्यूस करता है अल्फा सेल्स कौन प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करते हैं सॉरी अल्फा सेल ग्लूकागोन प्रोड्यूस करते हैं बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं ठीक अच्छा आपको पता है कि ये क्यों होता है इसके डिसऑर्डर ऑफ़ इंसुलिन डेफिशिएंसी से क्या होता है डायबिटीज़ हो जाता है ठीक है डायबिटीज़ के फर्दर क्या आपके पास सिम्टम्स हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ आपको अच्छे से आना चाहिए ठीक है दो टाइप्स होते हैं डायबिटीज़ के एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट एक होता है इंसुलिन इनडिपेंडेंट अब व्हाट इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट ठीक है आपके पास टाइप वन है इंसुलिन डिपेंडेंट और दूसरा होता है इंसुलिन इनडिपेंडेंट तो आप बताएं कि विच वन इज़ व्हाट इंसुलिन डिपेंडेंट क्या होता है टाइप वन है ठीक है आपके पास पेपर में से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ टाइप वन डायबिटीज़ इट इज़ इसमें क्या होता है कि आप इंसुलिन पे डिपेंड कर रहे होते हैं अगर आपको इंसुलिन नहीं मिलेगा तो आप फिर लाइक आपको इंसुलिन अगर नहीं मिल रहा तो यू कॉन्ट सर्वाइव ठीक तो टाइप वन जो होता है वो क्या होती है एग्जैक्टली exactly ऐसे याद करना है टाइप वन क्या होती है इंसुलिन डिपेंडेंट बिल्कुल इंसुलिन डिपेंडेंट जबकि टाइप टू क्या होती है इंसुलिन इंडिपेंडेंट इंसुलिन इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि आपके रिसेप्टर्स वो टारगेट सेल्स जो आपको वो टारगेट सेल्स जो आपके पास लाइक आपके इम्यून्स को कंट्रोल कर रहे हैं या वो टारगेट सेल्स जो कि लीवर के अंदर इंसुलिन या इंसुलिन लेके जा रहे हैं वो सारे क्या होते हैं डैमेज हो जाते हैं इंसुलिन इनडिपेंडेंट एग्जैक्टली ठीक है तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी सारी एड्रिनल मेडुला क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको तो याद करनी है ये इन डिटेल में नहीं जा सकती इसके थाइमस ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है पाइनियल थाइमोसिन प्रोड्यूस करता है पाइनियल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है मेलाटोन प्रोड्यूस करता है उसका क्या फंक्शन होता है ठीक है आपके पास इस्ट्रोजिन का फंक्शन प्रोगेस्टिरॉन का फंक्शन ये ये सारी चीज़ें थे इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस करने लगी हूँ ठीक है दे आर द ऑरल क्वेश्चन यू कैन जस्ट हैव टू आंसर वट एवर द आंसर इज ठीक है सबसे पहले क्वेश्चन है कि वट नोसी रिसेप्टर प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ वट नोसी रिसेप्टर प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ वट पेन टेस्ट लाइट वट नोसी रिसेप्टर नोसी रिसेप्टर प्रोड्यूस वट बी वेरी क्विक वेरी गुड पेन अच्छा उसके बाद आपके पास आता है कि हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है हाइपोथैलेमस का जब भी वर्ड आप सुनते हो ना उसका क्या फंक्शन होगा हाइपोथैलेमस व्हाट्स द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस स्वेलिंग होगी विजन होगा मेमोरी होगा वाटर बैलेंस व्हाट इज इट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलमस वाट इस द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलमस नहीं नॉट अ थर्मो रेगुलेशन मेमरी एक्जैक्टली वेरी गुड मेमोरी ठीक है मेमोरी आपको ये कौन करता है हाइपोथैलेमस कर रहा होता है अच्छा आपको पता है इम कैसा बिहेवियर इट इज़ अ लर्निंग बिहेवियर इसको लिख लें इम इज़ अ लर्निंग बिहेवियर और आप एक और चीज़ लिख लें कि माइलिन शीत किससे बनती है न्यूरोग्लिया से बनती है ठीक है थीके? आपके पास दो चीज़ें होती है एक होता है न्यूरोन एक होता है न्यूरोग्लिया तो आपके पास माइलिन शीत किससे बनती है इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द न्यूरोग्लिया इसे लिख लें डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन किसके टाइम पे होता है किस टाइम होता है दोनों ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल ठीक है डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन दोनों कब होते हैं डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन कब होते हैं एक्शन पोटेंशियल के टाइम अच्छा आपके एक क्वेश्चन है लिम्बिक सिस्टम का क्या क्या पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का क्या क्या पार्ट होते हैं ब्रेन के कौन कौन से पार्ट लिम्बिक सिस्टम में आते हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास पूछा जाता है जैसे ब्रेन स्टेम पूछा जाता है ना इस तरह लिम्बिक सिस्टम भी पूछा जाता है ठीक है लिम्बिक सिस्टम के अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं बिल्कुल मालिन चीत न्यूरोग्लिया से बनता है ठीक है अच्छा बताइएगा लिम्बिक सिस्टम में क्या होता है क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है वट्स द पार्ट इंक्लूडेड इन इट लिम्बिक सिस्टम इंक्लूड होते हैं वेरी गुड जैनब अमेक्डेला हिपो कैंपस हाइपोथैलमस ठीक है ये तीन चीजें इंक्लूड होती है हाइपोथैलमस अमेक्डेला एंड हिपो कैंपस ये तीनों चीजें इंक्लूड होती है अब आप इसके आपकी मर्जी या पैसे याद कर लो इसको ए एच एच करके याद कर लो ठीक है आपको पता होना चाहिए आइड्रेन की डेफिशिएंसी से क्या होता है ग्वाइटर हो जाता है आपको ये चीज़ पता हो एपिकल डोमिनेंस की ऐसा कौन सा हार्मोन है जो एपिकल डोमिनेंस इंक्रीज़ करता है इट इज़ ऑक्सिन ठीक है ऑक्सीजेंस क्या करता है एपिकल डोमिनेंस इंक्रीज़ कर रहा होता है ठीक यहाँ तक हमारे पास चैप्टर कंप्लीट होता है चैप्टर कॉर्डिनेशन कंट्रोल इज़ कंप्लीट नाउ रिप्रोडक्शन पे कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर आपके पास हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है दो टाइप्स होती है ए सक्चुअली प्रोडक्शन सेक्चुअली प्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर जो होते हैं सारा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के अंदर एनिमल्स के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा ए सै एक्चुअल है जो इन विच सीड्स आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ये मेरा क्वेश्चन आप सबसे है ऐसा कौन सा आपके पास रिप्रोडक्शन uh, होता है जिसके अंदर सीड्स आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एन विच सीड आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड वट ए सेक्शुअल रिपोडक्शन एन विच सीड इज फॉर्म ठीक है सीड बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड एज वट एम जस्ट वेटिंग फॉर द आंसर नो नोट पार्थिनोजेनिस नो पार्थिनोजेनिस तो आपके पास सेक्चुअल में आ जाता है ना मैंने ए सेक्चुअल का वर्ड बोला है ए सक्चुअल एपोमैक्सिस ठीक है नॉट अ पार्थिनोजेनेसिस वेरी गुड आपके पास इसके एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं आपके पास इसके एग्ज़ाम्पल भी पूछ सकते हैं ठीक है आपके पास एग्जाम्पल क्या होती है डेंडिलियंस होते हैं ठीक है डेंडिलियंस क्या होते हैं दे या फिर कोई और प्लांट्स अदर प्लान्स भी होते हैं आप वो करते हैं यानी उनके सीड्स जो होते हैं ना वो विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होते हैं इसके बाद आपके पास कुछ चीज़ें आती हैं आइसोगेमी क्या होता है हैी क्या होता है ये सारा पता होना चाहिए हेट्रोगेमी क्या होता है अच्छा आपके पास रेसीमोज इनफ्लोरेसेंस बहुत आता है रेसीम क्या होता है कैटकिन किसकी एग्जांपल है एमरेंथस आपको मैं पेज नंबर बताने लगी हूँ उसको काइंडली देख लीजिएगा एक दफ़ा दिस पेज नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक खोल एक और बात याद रखिएगा ये बेसिक चीज़ है बट स्टिल आई एम टेलिंग यू मे बी किसी को ना पता और से क्या बनता है हमेशा याद रखना है बनता है बच्चे मिक्स कर लेते हैं ओवरी से क्या बनता है फ्रूट बनता है ये मैंने कैसे याद किया था मैं भी आपको बताती हूं देखिए ओवरी में ना आर आ रहा है फ्रूट में भी आर आ रहा है तो बस ऐसे याद कर ले। ओवरी से क्या बनता है फ्रूट ठीक अब आपके पास दो चीजें होती हैं स्टेमिनेट या कार्पलेट ठीक स्टेमिनेट या कार्पीलेट के एग्जाम्पल में आता है यूनिसेक्चुअल वॉट इज स्टेमिनेट स्टेमिनेट यानी एक स्टेमिना है या कार्पिल है ठीक है यानी एक स्टेमिनेट या कार्पिलेट इसके ये किसके इक्वल है यूनिसेक्चुअल प्लांट यानी ऐसा प्लांट जिसके अंदर या तो स्टेमिना होगा या तो या तो जो है वो कार्पोलेट होगा इसकी एग्जाम्पल क्या आ जाती है डेट्स यानी खजूर ठीक ये क्या होता है यूनिसेक्चुअल होते हैं यानी स्टेमिनेट या फिर कार्पिलेट होते हैं इन्हें क्या कहते हैं मोनो एशियस भी कहते हैं मोनो एशियस के एग्जाम्पल में क्या आ रहा है कॉर्न वगैरह क्लियर है अच्छा मैं आपको इन का पेज नंबर बताया पेज नंबर हंड्रेड एंड वन जीरो आपने पढ़ना है हंड्रेड एंड वन जीरो वन ये आपने अच्छे से पढ़ना है इसके अंदर सारे दिया दिया हुए अच्छा एक और चीज़ लिखवा रही हैं इसको भी लिख लें आपके पास एपीजियल जर्मिनेशन होती है जर्मिनेशन क्या होता है ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मिनेस यानी बड़ा होना ग्रोथ करना एक होती है एपीजियल जर्मिनेशन एक होती है एपीजीएल जर्मिनेशन और दूसरा होता है हाइपोजियल ठीक है जो एपीजियल होती है ना इसकी एग्ज़ाम्पल आती है कैस्टर ऑयल सीड कैस्टर ऑयल सीड और जो हाइपोजियल होती है ना इसके एग्ज़ाम्पल में आते हैं मेज, पीक मेज़ पीक्रेम मेज़ पी यानी मटर वगैरह और ये पी ग्राम वगैरह ठीक है और जो आप एक बात याद रखिएगा एपीजियल में क्या होता है हाइपोकोटाइल आगे मूव करता है ठीक है अपर की तरफ हाइपोकोटाइल हाइपोकोटाइल मूव करते हैं जबकि हाइपोजियल में क्या होता है एपी कोटाइल मूव करता है तो बस आपने याद रखते हैं एपीजियल में क्या होता है कि हमारे पास ग्रोथ किसकी होती है हाइपोकोटाइल की होती है जबकि सॉरी एपीजीएल uh, में हाइपोकोटाइल की होती है और हाइपोजियल में किसकी होती है एपिकोटाइल की होती है ठीक है ऑल्टरनेट वी व्यव की एग्ज़ाम्पल बहुत आसान है कोकोनट पाम्स वग़ैरह ये एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा अच्छा यहाँ पर देखिएगा वन जीरो सिक्स में आपके पास रेड लाइट और फार रेड लाइट की लिखी हुई है ये भी आपने पढ़नी है एक दफ़ा आपको पता होना चाहिए कि रेड लाइट के अंदर क्या होता है सिक्स सिक्सटी से सेवन थर्टी पर कन्वर्ट हो रहा होता है फार रेड लाइट क्या होता है सेवन थर्टी सिक्स सिक्सटी पर कन्वर्ट हो रहा होता है अब आपके पास आती है अब इसके बाद आपके पास स्टार्ट हो रही है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपके पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग सॉरी इन नॉट अ ह्यूमन बींग इन एनिमल्स ठीक है आपको पता होना चाहिए वट इज़ अ गैमिटोजेनेसिस वट इज़ ओजेनेसिस इसमें से पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं एक चीज़ याद रखिएगा स्पर्मेटोगिया हमेशा टू एन होते हैं यानी डिप्लॉयड होते हैं ठीक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड इसको भी लिख लें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी हमेशा टू एन होते हैं लेकिन जैसे वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं वो क्या हो जाते हैं इसको लिख लें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दे आर और सारे स्पर्मेटेड भी क्या होते हैं की अगर बात करते हैं तो सेम गोज विद द गिया ठीक ऊ क्या होते हैं आपके पास डिप्लॉयड होते हैं प्राइमरी ऊ क्या होते हैं डिप्लॉइड होते हैं जैसे सेकेंडरी बनते हैं इट विल बिकम ठीक बाकी आपने सारा इन पढ़ना है पूरा पढ़ना है अच्छा आपको पता होना अच्छा चाहिए व्हाट इज डायशियस व्हाट इज मोनोशियस व्हाट इज यूनिसेक्सुअल व्हाट इज बाईसेक्सुअल अच्छा मैं आपको एक चीज लिखवा रही हूँ उसको देख लीजिएगा आपके जो चैप्टर रिमेनिंग्स है ना लाइक लास्ट के लाइव सेशन से तो उसको और यहां पर जो एमडीकेड पार्ट 2 के बायो के टू चैप्टर बायो टू के अंदर से जो चैप्टर्स रिमेनिंग होंगे तो हम लोग उसके सेशन एक और रख लेंगे उसमें हम ये सब कवर अप कर लेंगे इंशाल्लाह आपके पास क्या होता है डाईशियस और आपके पास होता है मोनोएशियस ठीक है ये दो चीज़ें हैं डाई एशियस इसका दूसरा नाम होता है यूनिसेक्सुअल ये आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं ठीक है डाई का क्या मतलब होता है यानी यूनिसेक्सुअल यानी हर एनिमल में एक सेक्स है मोनोएशियस क्या होता है वो एनिमल जिनके अंदर दोनों प्रेजेंट हो इट इज कॉल्ड एज बायोसेक्चुअल ठीक इसको बायोसेक्चुअल भी कहते हैं और इसको ही हर्माफ्रोडाइट्स भी कहते हैं ठीक हर्माफ्रोडाइट, और इसको भी इसको क्या कहते हैं ये जिनके नाम है यानी डाइस को यूनिसेक्चुअल भी कहते हैं और हेट्रोफ्रोडाइट भी कहते हैं मोनिश उसको बाइसेक्चुअल भी कहते हैं और हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं क्लियर है ये सारी चीजें यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो कैंडी डूलि नो अच्छा ओवी पैरिटी क्या होता है वीवी पैरिटी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए मोनोइशियस की गुड एग्जांपल क्या है मोनोइशियस की बहुत अच्छी एग्जांपल आपके पास टेप वॉर्म है लिवर फ्लूक है देखिए मेरा जो आप सिन सीन बोर्ड पढ़ा रही हैं देखिए मेरा जो मेन फोकस है ना और मैं सब बच्चों से यही कह रही हूँ दिस इज़ द लास्ट टाइम योर मेन फोकस शुड बी द दिन बोर्ड ठीक है क्योंकि आपके पेपर जो है ना वो सिंध से ही आएगा तो आपका पूरा मेन फोकस सिंध पर होना चाहिए बिसाइड ऑफ दिस आपको एस टी बी के साथ एफ टी बी भी अगर अगर यू हैव अ टाइम वैसे मैं यही कहती हूँ स्टार्ट से मैं ये कहती हूँ आप एस टी बी एफ टी बी दोनों पढ़ें बट राइट नाउ वी डोंट हैव इनफ टाइम सो डोंट गो फॉर द एफ टी बी वट एवर यू हैव डन फ्रॉम द एफ टी बी दैट साइड उसको छोड़ दे जितने नोट्स बनाए थे उसको छोड़ दे नाव यू हैव टू गो फॉर द एस टी बी यू आर फ्रॉम द पंजाब बोर्ड तो स्टिल वट एवर आई एम टेलिंग यू दे आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स अच्छा ये चैप्टर वाइंड अप कर लेते हैं उसके बाद फिर क्लास अटेंड करते हैं आपको पता है कि आपके पास कितने ऊ साइड जो है ना वो एग्स में बनते हैं दे आर फोर फिफ्टी ठीक है फोर फिफ्टी इसको लिख लें फोर फिफ्टी ऊ साइड डेवलप्स इन टू एक्स तीन फेज होते हैं आपके पास मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जितना मैं बोलूँ उतना कम है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कि स्टेजेस के नाम क्या है एम एफ ओ एल सी याद कर लें मेंस्ट्रुएशन फेज फॉलिकल फेज ओ से ओवेरियन एंड कॉर्पस कॉर्पस कॉलिजम भी कहते हैं कुछ ओविलेशन फेज कहते हैं कुछ फिर उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम फेज ठीक है एम एफ ओ एल सी याद कर लें इस तरह करके मैं लिखवा लेती हूँ यस फोर फिफ्टी एम एफ ओ सी ठीक है इट्स अ मेंस्ट्रुएशन फॉलिकुलर और ओविशन फेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज क्या होता है ओविशन होता है और कॉर्पस ल्यूटियम फेज अब आपके पास मेंस्ट्रुएशन फ़ेज में क्या होता है ये पूरा स्टेज देख लीजिएगा और आपको इसके डेज भी आने चाहिए वन टू फाइव आपके पास क्वेश्चन इस तरह से करके आता है कि आपसे पूछा हुआ होता है कि आप ये बताएं कि एक बंदा है उसको इस टाइम पे स्टार्ट हुए थे मेंस्ट्रुएशन अब आप ये बताएं कि जो उसका ऑबिशन फेज़ है ना वो कब आएगा तो आपको पता है कि थर्टीन से फिफ्टीन डेज यानी थ्री डेज़ का होता है ऑबिशन फ़ेज़ तो आप वो डेट काउंट करेंगे इफ़ दे आर टेलिंग कि उसको फिफ्टीन पे मैंस्ट्रेशन हुआ था अब आप बताएं उसका फॉलिकुलर उसका ऑबिलेशन फेज़ कब आएगा तो आप काउंट करोगे कहाँ से फिफ्टीन से कि फिफ्टीन से कितने डेज तक टिल थर्टीन तक नहीं होता ऑबिलेशन फ़ेज़ ठीक है थर्टीन से फिफ्टीन डेज़ यानी थ्री डेज़ का कौन सा फ़ेज़ होता है ऑबिशन ऑबिलेशन फ़ेज़ में क्या होता है आपके पास जो एल एच होता है यानी आपके पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो क्या हो जाता है उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है ठीक है एल एच का लेवल क्या होता है इंक्रीज़ हो जाता है जबकि अगर हम बात करते हैं आपके पास फॉलिकुलर फेज की तो उसके अंदर क्या होता है वो सेवन डेज़ का होता है ठीक है फॉलिकुलर फेज सेवन डेज का होता है हाँ ये ठीक है मैं आपको सारा एक साथ ही करवा देती हूँ देखिए आपके पास जो हार्मोनल चेंज होते हैं ना वो फॉलिकुलर फेज से स्टार्ट होते हैं ठीक इसके अंदर क्या होता है आपके पास एफ एस एच का लेवल एफ एस एच का लेवल क्या होता है डिक्रीज होता है इस डिक्रीज की वजह से क्या होता है इस्ट्रोजिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है इस्ट्रोजिन का लेवल जैसे इंक्रीज होता है तो आपके पास पिच्यूटरी ग्लैंड क्या कहते हैं एल एच का लेवल इंक्रीज कर देता है ठीक है एफ एस एच क्या है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज होने लगते हैं फॉलिकुलर स्टेज पे ठीक है जो कि पिच्यूटी से प्ला प्रोड्यूस होता है फिर आपके पास क्या होता है एस्ट्रोजन का हार्मोन इंक्रीज़ होने लगता है और जैसे ये इंक्रीज होता है तो एलएच का लेवल ऑटो पर इंक्रीज हो जाता है फिर ओविलेशन जो फेस होता है उस ऑबुलेशन फेस पे क्या होता है कि आपके पास एलएच का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा ठीक और ओवन क्या हो जाते हैं मेच्योर हो जाते हैं एग्स जो होते हैं वो ओविडेक्ट में चले जाते हैं फिर स्टार्ट होता है आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम का फेस अब ये जो एलएच का लेवल इंक्रीज़ है ना कॉर्पस ल्यूटियम में ये जैसे आप सी लिख लें इसको कॉर्पस ल्यूटियम में क्योंकि एल का लेवल इंक्रीज किया है तो जैसे एल का लेवल इंक्रीज होता है ये क्या करता है प्रोगेस्टिरन हार्मोन को प्रोड्यूस कर देता है ठीक है क्या करता है प्रोड्यूस करने लगता है ये हार्मोन प्रोगेस्टिरन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी प्रोगेस्टिरन का फंक्शन बहुत पूछते हैं आपको क्या करता है इ... लाइनिंग को यूटेराइन लाइनिंग को बहुत अच्छा करता है ठीक है एंडोमीट्रियम को अच्छा करता है लाइक मेंटेन करता है ग्रोथ करवा रहा होता है ठीक सो ये सारे इसके अंदर हार्मोनल चेंज है आपके पास ये पूछा जाता है जैसे आपको पता है इट इज़ नाइन मंथ्स जिसके अंदर प्रेगनेंसी होती है तो इसका ड्यूरेशन कितने डेज का होता है इट इज़ टू सेवेंटी डेज ठीक है टू सेवेंटी डेज का ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का कितने डेज का ड्यूरेशन होता है इसे कहते हैं गेस्टेशन पीरियड ठीक क्या कहते हैं गेस्टेशन पीरियड गेस्टेशन क्या होता है जब आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम द कंसेप्शन से लेकर आपके पास जब तक कंसेप्शन क्या होता है कंसीव जब आप बेबी कंसीव कर लेते हो से लेकर जब तक तो बेबी डिलीवर नहीं होता तो क्या ड्यूरेशन होता है इट्स टू सेवेंटी ड्यूरेशन टू सेवेंटी डेज का ड्यूरेशन और नाइन मंथ ठीक इसके बाद आपके पास कुछ यहाँ पर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं पेज नंबर वन वन नाइन ठीक है इसको पढ़ लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं अब थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं आपसे कर लेती हूँ एक्जैक्टली टू एटी भी कह सकते हो टू सेवेंटी अगर टू सेवेंटी आपके पास गिवन है तो यू हैव टू गो फॉर टू सेवेंटी अगर टू सेवेंटी नहीं है तो फिर और टू एटी की है तो टू एटी इट्स अप्रॉक्स टू सेवनी और टू एटी ठीक है अच्छा आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक डिजीज़ है साइफिलस ठीक ये क्या है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ये किसकी वजह से होता है तो किसकी वजह से होता है ट्रेपोनिमा पैलिडम इसको लिख लें साइफिलस डिजीज किसकी वजह से होता है ट्रेपोनिमा पैलिडम की वजह से होता है ठीक है पार्थिनोजेनेसिस जो है ना वो आपके पास ए सेक्चुअल प्रोडक्शन में ही आती है लेकिन इट्स अ डिफरेंट देन द एपोमैक्सिस ठीक है ये जो स्पोरुलेशन एपोमैक्सिस पार्थिनोजेनेसिस ये सब क्या चीज़ें आपके पास ए सेक्चुअल है इसके बिहंड में दूसरी क्या होती है गैमिटोजेनेसिस जो आपके पास सेक्चुअल प्रोडक्शन में आती है अच्छा एक सिंगल मशरूम कितना प्रोड्यूस करता है अ सिंगल मशरूम में प्रोड्यूस हाउ मेनी स्पोर्स फाइव हंड्रेड थाउजेंड ठीक है कितने प्रोड्यूस करता है कितने रिप्रोड्यूस करता है एक मशरूम फाइव हंड्रेड थाउजेंड अच्छा आपने ना ये जो ह्यूमन टेस्टीज है और ह्यूमन की ह्यूमन टेस्टीज पैक विद अबाउट डैश सेमन फ्रिप्यूल्स तो इट इज अबाउट फाइव हंड्रेड से ठीक है तो ये आपने याद रखनी है लेट मी राइट इट इन हेयर कितने सब स्टब्यूल होते हैं इट इज फाइव हंड्रेड ठीक है और इन ईच डे वट हाउ मेनी स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इट इज थर्टी एंड वैल्यू इज टोटली अप्रोक्सीमेट ठीक है थर्टी मिलियन मैम आप किस हर दिन किस टाइम को स्टार्ट करती हैं ऑलवेज एट ठीक है छ बजे और यूटरस कहाँ पर ओपन होता है ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ ये इट इज द पार्ट क्वेश्चन जो कि आपके पास पास पेपर का क्वेश्चन है कि यूटरस ओपनिंग टू डैश थ्रो सर्विक्स ठीक है कहाँ पर ओपन होता है वेजीना ठीक है सर्विक्स और वेजाइना ये सारी चीजें आपका अच्छा आपके पास एक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको आप लोगों के लिए विच हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ऑव्यूलेशन विच हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ विच हार्मोन स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ ऑव्यूलेशन विच हार्मोन स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ ऑव्यूलेशन ऑव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन करता है वेरी गुड एल एच ठीक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अच्छा आपके पास ड्यूरिंग द फीमेल फर्टिलिटी हाउ मेनी मनी एग्साइड्स डेवलप्स इन टू मैच्योर एग्स ठीक है हाउ मेनी डेवलप्स इन टू मैच्योर एग्स फीमेल फर्टाइल इज ओनली अबाउट डैश ऊ साइड डेवलप्स इन टू मैच्योर एग्स फीमेल्स के अंदर कितने क्या क्या उसका वो है जो कि लाइक मैच्योर एग्स में हो जाते फोर फिफ्टी ठीक है इट इज फोर फिफ्टी वेरी गुड फोर फिफ्टी साइड्स अच्छा दिस इज़ ऑल अबाउट बायो टू हमारे पास अभी स्टिल दो चैप्टर्स रहते हैं uh, दो चैप्टर्स हाँ दो चैप्टर्स रहते हैं एक बार देख लेते हैं हमने कौन कौन से चैप्टर कर लिए और कौन से रहते हैं जो चैप्टर रह गए हैं तो वो जो हमारे बायो वन के रहते हैं जो बायो टू के रहते हैं कर लेंगे ठीक है हमारे पास रहता है एवोल्यूशन रहता है और वेरिएशन जेनेटिक्स रहता है ठीक है दो चैप्टर्स रहते हैं इसमें से और दो चैप्टर्स रहते हैं बायो uh, वन के अंदर तीन चैप्टर रहते हैं तो ये पांच चैप्टर्स हो गए जो हम एक साथ कवर कर लेंगे इसके अलावा अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है यू गैस कैन आस्क मी राइट नाउ किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी ठीक है कल हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री कल स्टार्ट करेंगे हम लोग केमिस्ट्री वन इनशाला तो केमिस्ट्री वन के अंदर हम लोग पूरी केमिस्ट्री कवर अप करेंगे एट सेक्स उसके अंदर वी हैव सो मनी शॉर्ट ट्रिक्स एज वेल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दे आर थिंग्स जिसके अंदर ऐसी चीज़ें जो विदाउट कैलकुलेटर यूज करना होता है सो दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल यू सो केमिस्ट्री वन वी विल स्टार्ट एट सेक्स सो आई वॉन्ट एवरी वन आउट देयर टू बी देयर ताकि टाइम पर आएंगे तो हर चीज़ आपको समझ आएगी और रिकॉर्डेड लेक्चर्स इट इज़ नॉट कंफर्म फॉर द एवरी टाइम कि मैं जो है ना वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर सकूँ सम ऐसा मसला हो जाता है इसके अलावा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आपको मिल जाए जेनेटिक्स के नमेरिकल यस प्रैक्टिस करवाऊंगी इसके अलावा यू गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टेस्ट सेशन फ्रॉम द एटीन ठीक है एटीन ऑगस्ट सो दोजू आर इंटरेस्टेड कैन एनरोल दम सेल्फ बिफोर एटीन ठीक है एटीन से पहले रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एंड माई नंबर इज दिस वन इज़ माई नंबर यू गाइज कैन यू हैव टू ड पेमेंट इन हीयर और स्क्रीन शॉट शेयर कर दीजिएगा ये नाइन लिखा हुआ है ठीक है अच्छा यहाँ टेस्ट सेशंस जो है हमारे पास टेन टेस्ट सेशंस होंगे उसमें से चार फुल एंड टेस्ट होंगे इसके अलावा छः आपके पास बुक्स हैं और सिक्स बुक्स में से आपके पास पूरा बुक पूरा पूरे बुक का टेस्ट होगा लाइक पूरे बुक के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं आपके पास जो पी के अकॉर्डिंग है वो सबका टेस्ट होगा और चार फुल लैं टेस्ट इंक्लूडेड है सो दोज आर इन द बीमेंट इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर बट दोज आर नॉट फ्राम द बी मैट कैन इनरोल दम सेल्स इन द टेस्ट सीरीज एंड इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी वन यस अभी तो मैंने क्लास इतनी अभी टाइम नहीं है बहुत ऑलरेडी दो घंटे क्लास हो चुकी है एंड मैं भी बहुत थक गई हूँ मैंने एम सी क्यूज जो है ना वो ऑलली करवाए ठीक है ओके एवरी वन अलाफिज टेक केयर और चार्जेज आर थाउजेंड रुपीज़ सो अलाफिज एवरी वन टेक केयर बायो वन हो चुकी है हमारी बायो टू हम लोग कर रहे हैं अलाफिज एवरी वन